हाय गाइस गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी कैसे सब बच्चे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन 2024 की पहली क्लास में सबका स्वागत है एंड आई रियली विश कि ये साल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर हो जिसको आप हिस्ट्री में आज से 10 साल बाद 20 साल बाद याद करके बोले कि यार ट्वेंटी ट्वेंटी फोर वॉज द ईयर जिसमें मैंने अपना नीट एग्जाम क्रैक किया है, है ना कई बारे कुछ साल ऐसे होते हैं जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं जैसे एग्जाम्पल इज योर ईयर ऑफ योर बर्थ जिस साल आप पैदा पैदा हुए थे अब वो तो आपको याद है ना 2000 था 2003 था 2007 था क्या साल था जिस साल आप पैदा हुए थे वैसे ही बेला बेटा जब हम कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे होते हैं ना जैसे आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं इसमें सबसे बड़ा स्टेप स्टेप नंबर वन है दैट इज टू क्रैक नीट यूजी अब जिस साल आप नीट यू क्रैक करेंगे वो साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप कहलाएंगे कि मैं 2024 बैच 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 का का हूं हूं मैं 2023 का हूं. So एक वो हमेशा आपके साथ रहता है एंड आई रियली विश कि जब आप आज से 10 साल बाद 30 साल बाद पीछे मुड़ के देखें तो 2024 एक वो ऐसा साल हो जिसमें आप अपनी ड्रीम डिग्री ड्रीम मेडिकल कॉलेज से यानी कि एम एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो ठीक है और मैं ये भी चाहूंगी कि आज के बाद इस साल के बाद फिफ्थ ऑफ मे के बाद कोई भी बच्चा मुझे मेरी क्लास देखता हुआ तो ना मिले क्यों क्योंकि भाई आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज टू रिपीट इसी साल अभी किसी मई में सिलेक्शन लेना है क्योंकि अब पारी आपके हाथ में आ चुकी है अगर आप मेहनत कर रहे हैं अगर आप बहुत समय से लगे हुए हैं अगर आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं दैट मीन्स आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है अंदर से बहुत मुश्किल हो रही है दैट मीन्स आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हैं। अगर बहुत मजा आ रहा है तैयारी करने में तो ठीक डायरेक्शन में नहीं है क्योंकि मजा यानी कि कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन यानी कि कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाइए लगे कि यार दिक्कत हो रही है नींद पूरी नहीं हो रही है Uh, बहुत ज्यादा चीजें एक साथ करनी पड़ रही है कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट ये तब पता चलेगा कि सच में यू गाइज आर स्ट्रगलिंग एंड दैट इज द प्रमाण ऑफ योर रियल प्रिपरेशन ठीक है जी तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने स्टार्ट किया था पिछले साल अब दो दिन पहले की क्लास अब पिछले साल ही कहलाती है, है ना uh, तो पिछले साल हमने इसको स्टार्ट किया था हम इस साल आकर पूरा करने वाले हैं तो पिछले साल की क्लास में हमने क्या कर लिया था पिछले साल की क्लास में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली थी यानी कि हमने फ्लावर के बेसिक पार्ट्स पढ़ लिए थे हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि गैमिट्स कैसे बनते हैं मेल पार्ट कौन सा है फीमेल पार्ट कौन सा है उसका पूरा स्ट्रक्चर फिर हमने पोलन ग्रेन बनाए उधर से हमने एम्ब्रियोसैक्ट बनाया पोलन ग्रेन मेल का गैमिटोफाइट है एम्ब्रिय फीमेल का गैमिटोफाइट है गैमिटोफाइट अल्टीमेटली क्या बनाते हैं गैमिट्स बनाते हैं तो पॉलन ग्रेन ने क्या बनाए दो गैमिट बनाए और एम्ब्रिय के अंदर आपको एक गैमिट यानी कि एक एक्सेल दिखाई देता है यहां तक कि हम सारी बातचीत पिछले साल पिछले साल यानी कि पिछली क्लास में करके आ चुके हैं आज हमने कहा से शुरू करना है टूडे वी आर टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक पॉलिनेशन मैंने बोला था पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से अगर आप पिछले पांच साल का ट्रेंड देखेंगे तो हर साल हर साल एक या दो क्वेश्चन पॉलिनेशन से आया ही आया है यानी कि ये टॉपिक तो ऐसा है जो आप डेफिनेटली छोड़ के नहीं जा सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझ एब्सोल्युटली आपको आने वाला है उसके बाद बेटा डबल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फिर मैं आपको बहुत नए तरीके से समझाने वाली हूँ समझ नहीं आती है बेटा रियालिटी ये एपोमिक्सिस और पोलियम पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोकार्पी सब कंफ्यूजन है सब रट्टे मार रहे हैं आपको आज की क्लास से बेहतर कहीं समझ नहीं आने वाला है ऑल आई वॉन्ट टू स्टे टिल द एंड पूरी क्लास देखिए हम अच्छे से हर चीज लिखेंगे समझ कर जाएंगे एक एक लाइन एनसीआरटी की यहाँ पर डिस्कस करके जाएंगे ठीक है जी यस yes? ठीक है हाँ जी बेटा दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ एस आर एफ पी अब आज के टाइम पे सेकेंड लेक्चर ये हमारा क्या होता है लास्ट लेक्चर ऑफ एस आर एफ पी होता है तो आपने पुराना रिवाइज कर लिया था नहीं कर रहे हैं तो आपका नुकसान है बेटा इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग द प्रीवियस पोर्शन ये सब मैंने आपको करवा दिया था बहुत बढ़िया तरीके से मेल कैसे बनता है फीमेल कैसे बनता है फीमेलिटी क्या है एलर्जी क्या है एंड एंड देन देन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल वी अबाउट हाउ द एम्ब्रियोसैक लुक्स लाइक कितने सेल्स हैं कितने न्यूक्लियस हैं इन सब के बारे में हमने बात कर ली थी एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी बेटा समझ आएगा तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं अगर आप बिल्कुल बस क्लास लगाने आ जाते हैं <coughs> घर पे जाके ना कोई किताब खोलनी ना हमने एनसीईआरटी खोलनी तो बेटा ऐसे बायो में 340 नंबर नहीं आते ये सीरीज उनके लिए है जो सच में 340 प्लस स्कोर करना चाहते हैं क्योंकि अगर बायो में 340 आए फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा 180 160 आए तब जाकर सेवेंटी मार्क्स बनते हैं तब जाकर एक अच्छा कॉलेज सिक्योर होता है अच्छा कॉलेज अगर टारगेट ही पांच नंबर का है साढ़े पांच नंबर का है तो बेटा नंबर तो फिर आएंगे बिल्कुल चार है ना टारगेट बड़ा रखिए और बड़े टारगेट के लिए बड़ी मेहनत करिए हाँ जी आगे सब बच्चे चलिए बिफोर स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग बिफोर क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग कर लेते हैं अच्छा हाँ एक चीज बतानी थी बिफोर स्टार्टिंग बेटा आप जानते हैं हम जैसे जैसे अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हो जाएगा। आज ही आपका सेशन है ठीक है आज नहीं कल प्रैक्टिस सेशन है इज थर्ड ऑफ जनवरी छह बजे कल YouTube क्लास नहीं होगी क्योंकि आज थोड़ी लंबी क्लास है हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको मैं आज का दिन का समय दूंगी टू रिवाइज इट टू रीड इट सी मस्ट है सबके लिए एंड कल शाम को छह बजे हम इसके प्रैक्टिस सेशन जिसमें पीवाई क्यूज भी, भी सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे ये क्लास आपकी होने वाली है कल क्लास का लिंक कहाँ है मैम क्लास का लिंक मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया है कैसे करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और आपको नोटिफाई मी या फिर एनरोल का ऑप्शन आ जाएगा आप बस नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना या एनरोल बटन पे क्लिक कर लेना क्लास आपके लिए यू uh, नो you know, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी फ्री क्लास है सारी क्लासेस फ्री क्लासेस है कोई क्लासेस का पेमेंट नहीं है बस वो क्लास अनअकेडमिक ऐप पे होती है बिकॉज ऐप पे ज्यादा बेटर फीचर्स है जो यूट्यूब पे नहीं होते ऐप पर रैंकिंग है ऐप पर लीडर बोर्ड है ऐप पर पोल बेस्ड क्वेश्चन है ऐप आप पर आपका डाउट का बॉक्स अलग से आता है रेजर हैंड का बॉक्स अलग से आता है जो चीजें यूट्यूब पे नहीं हो सकती है, है ना तो इसलिए हम वो क्लास वहां लेते हैं ओके जी चलिए शुरू करें जी बताओ एक बारे बता दो कैसे बताएंगे सब बच्चे फटाफट से, से सेशन को लाइक करके बता दें कैसे बताएंगे सेशन को फटाफट से सारे बच्चे लाइक करके बता दें क्या कह रहे हैं मॉर्फोइन प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सब सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा आई एम नॉट द वन जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है आई एम वन जो आपको एनसीआरटी के लाइन वन से लेकर लाइन एंड तक करा देगा क्योंकि मुझे लगता है हर लाइन इंपॉर्टेंट है किस साल किसी भी लाइन में से सवाल आ सकता है ये मत पूछें कि ये चैप्टर करें कि ना करें सारे चैप्टर्स करने हैं एंड अगला चैप्टर आप जानते हैं कौन सा वाला है? होने वाला है अगला चैप्टर होने वाला है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन वो मैं चैप्टर आपको क्यों करा रही हूं क्योंकि मुझे आपका बेस बनाना है किसके लिए बेस बनाना है जरा सोचो और बताओ किसके लिए बेस बनाना है हाँ जी किसके लिए बेस बनाऊ बेस बना रहे हैं आपके लार्जेस्ट यूनिट के लिए लार्जेस्ट यूनिट बेटा कौन सा है लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है आपका जेनेटिक्स तो उसका बेस बनाने के लिए परसों की जो क्लास होगी वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की होगी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बहुत बेसिक चैप्टर है तो उसको मैं इस इस टाइम पर नहीं ले रही हूँ बिकॉज आई आई वॉन्ट की जनवरी शुड बी द मंथ जिसमें हम सारे हाई वेटेज टॉपिक कंप्लीट कर लें तो हाई वेटेज में सबसे पहले आपका जेनेटिक्स आता है जिसको मैं कंप्लीट कराने के लिए पहले सेल साइकिल कराऊंगी फिर जेनेटिक्स कराऊंगी बिल्कुल सही ऑर्डर है इस ऑर्डर में हम लोग चलने वाले हैं ओके okay जी चलिए आ जाइए तो पॉलिनेशन हमने करने की जरूरत क्या पड़ी पॉलिनेशन होता क्या है मेल का ग्रेन था? कौन -कौन इसका आंसर यस बोलेगा? कौन -कौन बोलेगा मेल का गैमिट कौन सा था हम फ्लॉरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं फ्लारिंग प्लांट में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर देखा एंड्रोशियम देखा गाइनोशियम देखा स्टेमन देखा और उधर आपका आ, कार्पल देखा हमने वहां पर देखा कि मेल में हम लोग गैमिटोफाइट बनाते हैं जिसका नाम है पोलन ग्रेन वो गैमिटोफाइट है ग्यामिटोफाइट आगे जाकर क्या बनाता है आपका गैमिट ठीक है तो मेल गैमिट इज बेसिकली मेल गैमिट नॉट द पोलन ग्रेन फीमेल गैमिट किसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक क्या इन दोनों में से कोई भी गैमिट चल सकता है क्या उसकी टेल लगी हुई है ह्यूमन में तो देखो मेल वाले की टेल लगी हुई है स्पर्म के टेल लगी वो खुद से चल लेता है ठीक है बट क्या ये चल सकते हैं पोलन ग्रेन के अंदर जो गैमिट बनाया है कैन कैन इट इट वॉक वॉक नो नो जो सैक के अंदर अपना है no. यानी कि दोनों के दोनों मेरे जो गैमिट हैं ये तो नॉन मोटाइल निकले है ना ये तो क्या निकले नॉन मोटाइल निकले यानी कि अब मेरे को खुद से किसी ना किसी एजेंट की मदद से हवा से पानी से इंसेक्ट से बैट से किसी ना किसी एजेंट की मदद से उठाकर मेल का गैमिट रखना पड़ेगा

पॉलिनेशन हम लोग बोलते हैं अब दो तरीके की बेसिकली मोटा मोटा मैं दो तरीके की पॉलिनेशन बताऊंगी वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन आ जाओ मेरे साथ इसमें भी झोल है झोल ही झोल है ठीक है सो वन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अब सेल्फ पॉलिनेशन में मैं आगे दो टाइप्स बताऊंगी ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन में मैं आगे दो टाइप्स बताऊंगी वन इज कॉल्ड एज ऑटोगेमी अदर वन इज कॉल्ड एज जिटोनोगेमी ठीक है ऑटोगेमी याद रखना बेटा पॉलिनेशन में से सवाल आएगा ही आएगा ये ऐसा टॉपिक है जिटोनो गेमी ठीक है ऑटोगेमी जिटोनो गेमी क्रॉस पॉलिनेशन में हम जो गेमी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जीनो गेमी क्या बोलोगे इसको जीनो गेमी ठीक है जी सेल्फ पॉलिनेशन को मैंने आज सेल्फ क्यों बोला सेल्फ पॉलिनेशन को सेल्फ इसीलिए बोला है क्योंकि मैं यहां पर सेम पौधा यूज करने वाली हूं क्या यूज करूंगी सेम प्लांट सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स या सेम फ्लावर हो सकता है अब तुम खुद दिमाग लगाओ एक प्लांट पर सेम प्लांट पर जितने भी फ्लावर्स होंगे

वो जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स में ही हो रहा है क्योंकि एक ही प्लांट की बात हो रही है ठीक है तो पहले टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोगेमी प्लांट तो एक ही रखना है ना भैया प्लांट तो एक ही रखना है तो ये मेरा मान लो प्लांट है ये मेरा प्लांट है ऑटोगेमी क्या होती है जब सेम एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के अंदर ये ट्रांसफर हो जाए यानी कि ये प्लांट है इस प्लांट का एक फ्लावर है इस फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है ये देखिए मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है एंड यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में हो रहा है यानी कि प्लांट तो सेम ही था ये तो मैंने ऊपर ही नोट कर लिया था लेकिन यहाँ पर फ्लावर भी क्या है सेम है फ्लावर भी क्या है सेम है तो यार ये काम तो खुद से ही हो जाएगा कि हवा पानी को लेके आओगे नहीं एक ही फ्लावर के अंदर बाई फ्लावर है ना द फ्लाज बाइसेक्सुअल एक ही फ्लावर के अंदर उसी के अंतर से उसी के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर रहे हैंशन एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ बाई सेक्शुअल फ्लार कोई हवा पानी इंसेक्ट बैट इसकी कोई जरूरत है नहीं है पॉलीनेटिंग एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट इज

ज जिटोनो ये मी मान लो मेरा एक प्लांट का फ्लावर ये है उसी प्लांट का ही दूसरा फ्लावर बना रही हूं इसके पास हो सकता है मेल पार्ट हो इसके पास हो सकता है फीमेल पार्ट समझ रहे हैं ना मेल और फीमेल मैंने कैसे बनाया ये क्या बनाया स्टेमन ये क्या बनाया कार्पल ठीक है अगर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में यानी कि यानी कि बेटा जी सेम प्लांट ये तो हम लिख चुके हैं बट डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलन ग्रेन्स का एक्सचेंज हो ठीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलेंगे गेमी, बोलेंगे ठीक है क्या इसमें एजेंट चाहिए यहाँ पे इंसेक्ट चाहिए हो सकता है एब्सोल्युटली सो वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स यहां पर मेरे को पॉलीनेटिंग एजेंट चाहिए होंगे जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में चाहिए होते हैं ना वैसे मुझे पॉलीनेटिंग एजेंट चाहिए होंगे किस वाले प्लांट में होगा किस वाले फ्लावर में होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है बेटा मान लो एक फ्लावर ऐसा है उसी प्लांट का एक और फ्लावर यहाँ पर ऐसा बैठा है तो यहाँ पर भी तो हो सकती है पड़ोसी प्लांट में भी हो सकती है यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकती है बाइसेक्सुअल मोनोइशियस प्लांट मोनोइशियस प्लांट ठीक है जी इसमें हो सकती है अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे जेनेटिकली जेनेटिकली तो सारे फ्लावर्स फ्लावर्सोनोगेमी में भी सेम है तो जेनेटिकली इट इज पॉलिनेशन है ना हम कह रहे हैं सेम ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स तो तो जेनेटिकली सारे सेम है है क्योंकि एक ही प्लांट की बात हो रही बट सिंस इसमें मुझे पॉलीनेटिंग एजेंट चाहिए तो थोड़ थोड़ा थोड़ा क्रॉस के जैसा लग रहा है क्रॉस में पॉलीनेटिंग एजेंट चाहिए होता ना मतलब जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी बट फंक्शनली इकोलॉजिकली इट इज सिमिलर टू गेमी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई तुम जेनेटिकली तो किसके जैसे हो जेनेटिकली किसके जैसे हो लाइक ऑटोगेमी ऑटो गेमी, उटो गेमी। लेकिन फंक्षनली, फंक्षनली किसके जैसे हो लाइक क्रॉस पॉलिनेशन लाइक क्रॉस पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीआरटी की कोई बच्चा मिस नहीं करेगा कि जो मेरी जिटोनो गेमी है कि पड़ोसी फ्लावर में जा रहा है वो जेनेटिकली तो किसके जैसा है मेरे ऑटो गेमी जैसा है लेकिन फंक्शनली इकोलॉजिकली क्योंकि इसमें पॉलीनेटिंग एजेंट यूज हो रहे हैं इसीलिए किसके जैसा है जीनो जैसा है ठीक है जी जीनो जैसा है अब जीनो बड़ा सिंपल है जीनो क्या है सिंपल है डिफरेंट प्लांट लेंगे डिफरेंट प्लांट लेंगे अब कोई बच्चा दिमाग लगा रहा है हाँ हाँ मैम डिफरेंट ले लेते हैं एक एप्पल का ले लेते हैं मैंगो का ले लेते हैं एप्पल से पॉलिन उठा के मैंगो पर डाल देंगे और मैपल बना देंगे जैसे पिछले बार तुम बना रहे थे देखिए बेटा डिफरेंट प्लांट तो ले लोगे लेकिन ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशी एप्पल है तो एप्पल वाले में जाके गिरना चाहिए मैंगो है तो मैंगो वाले में गिरना चाहिए ऐसे नहीं कि गोभी के ऊपर मूली मूली के ऊपर गाजर ठीक है जी तो ऑफ सेम स्पीशी अब सवाल आता है क्या ये वाली तरीके की पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर में हो सकती है सेक्शुअल फ्लॉर में हो सकती है बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है बाइसेशुअल का क्या मतलब है बाई सेक्शुअल का मतलब है कि मेरे पास एक फ्लावर ऐसा है जिसके पास मेल पार्ट भी है और जिसके पास फीमेल पार्ट भी है हाँ हो सकता है हो सकता है एक और ऐसा फ्लावर है यहाँ पर मेरे पास फीमेल पार्ट प्रेजेंट है यहाँ से पॉलन ग्रेन के यहाँ भी आ सकते हैं yes, यस आ सकते हैं नॉट नेसेसरी कि बाई सेक्शुअल में जबरदस्ती ऑटोगेमी होनी है यस yes, तो ये काम बाईसेक्शुअल फ्लावर में भी हो सकता है मोनो एशियस प्लांट हो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी मोनो एशियस प्लांट के अंदर भी होगा और डायोशियस प्लांट में तो यही होगी डायोशियस प्लांट में तो यही होगी डायोशियस प्लांट समझ गए डायोशियस प्लांट मतलब एक के पास आपका सिर्फ फीमेल वाला पार्ट है और एक प्लांट के पास आपका सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पार्ट है तो यहां पर तो कोई चारा ही नहीं है यहां पर तो मुझे ही करानी पड़ेगी ना जिटोनोगेमी हो सकती है ना ऑटोगेमी हो सकती है लेकिन मोनोशियस प्लांट में भी ये काम हो सकता है ऑफकोर्स बात है कि पॉलिनेटिंग एजेंट यहां पर रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड है।, है ओके जी यस yes, मेरे बच्चों क्लियर हो गया क्लियर हो गया चलिए अब छोटा सा आपसे एनसीआरटी थोड़ी सी बात पूछती है इस एनसीआरटी की बात का आप लोग मुझे साथ साथ जवाब देंगे जवाब देंगे हाँ जी जिटोनो गेमी मैंने आपको बता दिया इट इज जेनेटिकली जेनेटिकली लाइक ऑटोगेमी ऑटोगेमी एंड फंक्शनली फंक्शनली इट इज लाइक जीनो गेमी जीनो गेमी ठीक है जी जीनो गेमी आ जाओ अब मुझे आप लोग बताएंगे, बताएंगे. Yes, आई है मोनो एशियस प्लांट केस नंबर वन बताएंगे यस मेरे बच्चों आपके मोनो एशियस प्लांट है ठीक है है प्लांट एंड इसके पास बाई सेक्शुअल फ्लावर्स है बस बाई सेक्शुअल फ्लावर मोस्ट कॉमन यही कंडीशन होती है बाई सेक्शुअल फ्लावर्स है मोनो एशियस प्लांट बाई सेक्शुअल फ्लावर एक ही तरीके का प्लांट है एक ही बॉडी में उसमें बाई सेक्शुअल है बताओ क्या क्या पॉसिबल है इस केस में क्या क्या पॉसिबल है क्या ऑटोगेमी हो सकती है जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी बताओ किस पे टिक लगाऊं किस पे टिक हाँ जी इस केस नंबर वन में बताइए ऑटोगेमी हो सकती है कि नहीं हो सकती भाई मोनोइशियस प्लांट है और आपके बाइसेक्शुअल फ्लावर है बाइसेक्शुअल फ्लावर है तो डेफिनेटली ऑटो गेमी इज पॉसिबल बट क्या जिटोनो गेमी हो सकती है हाँ बाइसेक्शुअल फ्लावर बाई सेक्शुअल फ्लॉवर यहाँ से पॉलनग्रेन उठ के यहाँ भी आ सकता है पड़ोसी वाले में भी आ सकता है बिल्कुल हो सकती है अभी बाई सेक्शुअल फ्लावर बाई सेक्शुअल फ्लॉर किसी और का पॉलनग्रेन सेम स्पीशी का उठ के इनके ऊपर आ सकता है यानी कि इसमें जीनो गेमी भी पॉसिबल है तीनों के तीनों क्या है पॉसिबल है एब्सोलुटली ऑल इज पॉसिबल इन दिस केस एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट इज गोइंग टू बी पटेटो मस्टर्ड चाइना रोज मोस्ट कॉमन यही कैटेगरी है अब अगला तुम खुद बताओगे ये मैंने तुम्हारी मदद कर दी है यस केस टू बताइए केस टू मेरे पास है मोनोइशियस प्लांट है मोनोइशियस प्लांट है मोनोइशियस प्लांट है एंड बेटा जी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बताओ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि कि बेटा एक प्लांट पे फ्लावर्स हैं एक वाले पे पिस्टिलेट क्या क्या पॉसिबल है क्या क्या पॉसिबल है ठीक है मोनोइशियस प्लांट है मतलब प्लांट बॉडी एक ही है मेरे पास लेकिन फ्लावर मेरे पास यूनिसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर माने की एक फ्लावर हो सकता है मेल वाला हो जाए एक ये फीमेल वाला हो जाए बताओ क्या क्या पॉसिबल है क्या इसमें ऑटो गेमी कर सकते हैं ऑटो गेमी करने के लिए बेटा एक ही फ्लावर के अंदर करना पड़ेगा यहाँ पे तो एक फ्लावर के पास दोनों चीजें नहीं है तो ऑटो गेमी तो नहीं हो सकती क्या जिटोनो गेमी हो सकती है हाँ पड़ोसी वाले में जा सकता है एब्सोल्युटली हो सकती है जीनो गेमी तो बेटा इन एनी केस यहाँ पर पॉसिबल है जीनो गेमी तो यहाँ पर पॉसिबल है अब अगर मैं बात करूं लास्ट कैटेगरी लास्ट कैटेगरी कौन सी है केस थ्री केस थ्री मेरे पास डायोशियस फ्लॉर्स है डायोशियस प्लांट है डायोशियस प्लांट है डायोशस प्लांट का क्या मतलब है? दो बॉडीज है प्लांट की एक पे मेल फ्लावर्स है एक पे फीमेल फ्लावर है ठीक है दो प्लांट है प्लांट ही दो हो गए एक के पास मेल पार्ट हो गया और एक के पास फीमेल पार्ट हो गया तो बताओ क्या हो सकता है ऑटोगेमी नॉट पॉसिबल जिटोनो गेमी पड़ोसी वाले में होती है नॉट पॉसिबल क्योंकि पौधे अलग अलग हो चुके हैं पौधे अलग अलग हो चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पॉसिबल होगी जीनो गेमी होगी एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी डेट पाम पपाया यहां पर एग्जाम्पल रहेंगी ठीक है हेयर द एग्जाम्पल इज डेट पाम एंड पपाया पपाया पपीता ठीक है जी ठीक है यस yes. बीच वाली कैटेगरी का एग्जाम्पल भी लिख दो यहाँ पर कैस्टर हो गया कोकोनट हो गया ठीक है जी यस yes, मेज हो गया ये वाले एग्जाम्पल्स आपके बीच की कैटेगरी में आएंगे तो तीनों कैटेगरी मैंने आपकी लिख दी मोनोइशियस प्लांट बाई फ्लावर्स मोनोइशियस प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डाइशियस प्लांट डाइशियस प्लांट मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी एक के पास मेल एक के पास फीमेल एंड दैट इज ओनली गोइंग टू शो जीनो केवी ठीक है मेरे बच्चों हाँ, बिट्स लो, बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ जी अब आपको सवाल आ सकता है हाँ जी अगर वो बोले ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ऑटोगेमी को फेवर करती है ऐसी कौन सी कंडीशन है बेटा जी जो ऑटोगेमी को फेवर करती है जो कहती है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ही करो कौन सी कंडीशन है सबसे पहले अगर एक बाई फ्लावर है क्ल फ्लावर है तो बार भाई वो तो कही गई कि सेल्फ पॉलिनेशन ही कर लेते हैं अपन लोग है ना कंडीशंस 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 फॉर फॉर सेल्फ सेल्फ ऑटोगेमी को फेवर यानी कि कौन सी कंडीशन कहती है कि यार मैं ना सेल्फ पॉलिनेट ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी इनको बेटा जी इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोला जा सकता है इन ब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोला जा सकता है तो अगर मेरे पास बाई फ्लावर है यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर एंथर और मेरा स्टिग्मा दोनों है तो भाई वहां से वहां चला जाएगा ये तो कहेगा कि अपन लोग सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं दूसरा कंडीशन क्या है कि जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ उसी टाइम पे मेरा स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया ठीक है स्टिग्मा रिसेप्टिव सेम टाइम पे हो गया यानी कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव स्टिग्मा का मेच्योर होना रिसेप्टिव होना इज क्वाइट सिंक्रोनाइज्ड एक ही समय पर हो रहा है एक समय पर हो रहा है तो भी बेटा हाई चांसेस हैं कि यार ऑटोगेमी ही होगी ऑटोगेमी ही होगी ठीक है और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मेरा एंथर एंड स्टिग्मा एंथर एंड स्टिग्मा काफी नजदीक है क्लोज है दे आर क्वाइट क्लोज ठीक है क्लोजली प्लेस्ड क्लोजली प्लेस्ड ठीक है ये कंडीशन भी कैसी होगी ये भी कहेगी कि भाई तू ऑटोगेमी कर ले यही तेरे लिए ठीक है हैना या तो बाई सेक्शुअल फ्लॉर हो या फिर सेम टाइम पे दोनों मेच्योर हो पॉलन ग्रेन जब निकला तब स्टिग्मा भी मेच्योर हो चुका है एंड बेटा जी बहुत नजदीक नजदीक प्रेजेंट है तो दैट विल ऑल्सोज दैट इज गोइंग टू प्रमोट प्रमोट दैट इज गोइंग टू बेटा जी प्रोटाजी uh, और क्या हो सकता है बड पॉलिनेशन अगर होती है बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो रही है फ्लावर खुला ही नहीं अभी बर्ड स्टेज में ही है इस स्टेज पर पॉलिनेशन जैसे पी प्लांट में होती है तो दैट आल्सो प्रमोट्स ऑटोगेमी एक और कंडीशन बेटा जी हम लिखेंगे दैट इज गोइंग टू बी That is going टू बी हां जी बताओ क्या लिखो क्लिस्टोगेमी या फिर चाजमो यस क्लिस्टोगेमी द फ्लार विच ने विच नेवर ओपन जो कभी नहीं खुलता अगर बेटा जी फ्लार कभी नहीं खुलेगा तो और कोई चांस ही नहीं है उसमें ऑटोगेमी ही होगी ठीक है ये दिज आर द कंडीशन फॉर ऑटोगेमी ठीक है अब अगली कंडीशन करते हैं अगली कंडीशन करते हैं कंडीशंस फॉर कंडीशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ऐसी कौन सी चीज है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है यानी कि ऐसी कंडीशन बताओ बेसिकली जो डिस्करेज करती है सेल्फ पॉलिनेशन को इसको ऐसे में लिख सकते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को बेटा जी डिस्करेज करती है जो कहती है भाई सेल्फ नहीं करूंगी मैं तो क्रॉस ही करूंगी उन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस उन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं उट ब्रीडिंग तुम खुद बताओ ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जो कहेगा कि मुझे self नहीं करना, मुझे क्रॉस तो तो ही करूंगा मैं तो सेल्फ कर ही नहीं सकता है ना सो फर्स्ट कंडीशन इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर दूसरा केस इसी को उल्टा बनाते जाओ इसी का बेटा जी उल्टा बनाते जाओ जैसे मैंने आपका ये लिखा ना फ्लावर है क् मासेल यहां मैं कह रही हूँ पोलन रिलीज और स्टिग्मा की मेच्योरिटी सिंक्रोनाइज, बोलो, सिंक्रोनाइज नहीं है है ना तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा पोलन का रिलीज एंड एंडमा मेच्योरिटी स्टिग्मा का जो मेच्योरिटी है वो नॉट सिंक्रोनाइज है अलग अलग टाइम पे हो रहा है पोलन पहले रिलीज हो गया स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुआ तो भाई ऑटोगेमी नहीं हो सकती मेच्योरिटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड ठीक है और एंथर और स्टिग्मा दूर दूर है एंथर एंड स्टिग्मा नॉट क्लोज अगर बेटा फ्लार खुल जाए फ्लार खुल जाने का क्या मतलब है चाज्मो गेमस फ्लार चाज्मो गेमस फ्लावर हो तो यार वो भी क्या करेगा वो भी क्या करवाएगा चाज्मो गेमस मतलब विच हैज एक्सपोज हो जाएंगे तो उनको भी हवा पानी सब मिल जाएगा पॉलीनेटिंग एजेंट की मदद से वो भी ट्रांसफर होके क्या करा लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन करा लेंगे और क्या कंडीशन हो सकती है हेटेरोस्टाइली हेटेरोस्टाइली क्या मतलब होता है हेटेरोस्टाइली का अगर बेटा लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मान लो ये मेरा थैलमस है ये मेरा फीमेल का पार्ट है ठीक है और मेरा मेल का पार्ट बस इतना से कितना अंतर है यार लुक एट दिस सो मच ऑफ गैप है ना अगर बहुत ज्यादा गैप हो लेंथ में गैप इन लेंथ ऑफ बोथ पार्ट्स तो वो भी फेवर करेगा कि मैं यार क्रॉस ही करा लू सेल्फ तो मेरे बस का मुझे लग नहीं रहा है ना सेल्फ मेरे बस का मुझे लग नहीं रहा और कई बार क्या होता है कई बार क्या होता है बेटा फ्लावर होता है लेकिन उसका खुद का सिग्मा उसे पहचानता ही नहीं कई बार होता है ना अपने लोगों को ही हम पहचान नहीं पाते याददाश्त हो जाती है तो कई बार बाई सेक्शुअल फ्लार की याददाश्त हो जाती है इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी सेल्फ िटी याददाश्त हो गई आइए बाइसेक्शुअल ठीक है बाइसेक्सुअल था कर सकता था ऑटोगेमी लेकिन इसकी याददाश्त खो चुकी है यानी कि इसका स्टिग्मा इसका कार्पल अपने नहीं पहचान रहा है ना कार्पल डज नॉट रेकग्नाइज पॉलन ग्रेन डज नॉट रेकग्नाइज पॉलन ग्रेन जैसे बेटा तुम्हारे दोस्त हैं है ना जब तुम डॉक्टर बन जाओगे ना जब तुम डॉक्टर बन जाओगे मान लो कोई बन गया तो तुम पहचानने से इनकार कर दोगे कौन किसकी बात कर रहे हो कौन हबीबा मैं तो किसी हबीबा को नहीं जानते अरे तुम्हारे साथ नीट की तैयारी करते थे नीट की तैयारी करते थे कब करते थे नहीं मैं तो नहीं करती थी मैं तो अकेली तैयारी करती थी मुझे तो नहीं पता कौन है ठीक है तो ये वो सेल्फ स्टेबिलिटी है इनकी यादाश्त हो जाती है हैं दोस्त बड़े पक्के साथ साथ रह रहे हैं लेकिन पहचानने से इनकार करें मैं तो आपको नहीं जानता हूँ सॉरी रॉन्ग नंबर बेटा डॉक्टर लोग ऐसे फोन काटते हैं कौन सी कौन सी तो नहीं जानता नहीं मैं तो नहीं पढ़ा हुआ आपसे ना, ना 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 मैं तो खुद पढ़ा था मैं तो एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ मैं सिर्फ एनसीईआरटी को जानता हूं पहचानने से इनकार कर दोगे हो सकता है हो सकता है बेटा तुम मुझे पहचानने से इनकार कर दो यस ठीक है तो ये हो गई मेरे इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा दोस्तों को पहचानना ना पहचानना मुझे नहीं पहचानना तो खूब डंडे मारूंगी मैं आके ठीक है खूब डंडे पड़ेंगे आके <coughs> चलिए अब मैं आपके सामने तीन प्लांट्स लिखने वाली हूं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ थ्री प्लांट्स कौन से एक प्लांट्स है बेटा जी सी ओ वी सी ओ वी ध्यान देना है सी से क्या आएगा कॉमन लेना कॉमन लेना ठीक है ओ से क्या आएगा ऑक्सैलिस बी से क्या आएगा वायला वायला दैट इज कॉमन पेंसी कॉमन पेंसी ठीक है अब ये जो मेरे तीन प्लांट्स है सी ओ वी कॉव बॉक कुछ भी बोल लो काओ कॉक्स कुछ भी बोल लो इसको ये तीन प्लांट्स के पास दो तरीके के फ्लावर्स हैं ध्यान देना है इन तीन प्लांट्स के पास टू टाइप्स के फ्लावर्स हैं कुछ फ्लावर हैं जो हमेशा एक्सपोज रहते हैं खुल जाते हैं ठीक है जी मतलब हवा पानी उनके एंथर स्टिग्मा तक पहुंच सकते हैं उन फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं चाज्मो गेमस यानी कि इनके पास एक्सपोज एंथर एंड आंथ स्टिग्मा है ठीक है जी एक्सपोज एंथर एंड आंथ स्टिग्मा है इस कंडीशन को हमने क्या बोला चार्जमो गेमस फ्लार्स अगर एक्सपोज होगा तो क्या फेवर करेगा ये जीनो फेवर करेगा दूसरे टाइप के फ्लार इनके पास हैं क्लिस्टोगेमस कौन से फ्लार हैं बेटा जी क्लिस्टोगेमस फ्लार ये फ्लावर है जो कभी खुलते ही नहीं है दे डू नॉट ओपन डू नॉट ओपन ठीक है जी नजदीक नजदीक इनके एंथर स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लावर कभी भी खुलता नहीं है यानी कि जब यहाँ एंथर पटेगा तो उसके पास एक ही चांस है कि भाई उसको अपने पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरना पड़ेगा ठीक है जी यानी कि यहाँ पर एक तो फायदा होने वाला है एक फायदा है कि भाई जब एंथर फटेगा ना पॉलिनेशन तो होगी ही रहेगी क्योंकि ऐसे बंद पड़ा है फ्लावर एंथर फटा तो पॉलन ग्रेन गिरेगा ही गिरेगा मान लो खुला हो एंथर फटा पॉलन ग्रेन दूसरी साइड गिर गया गड़बड़ हो सकती है यहाँ फ्लावर बंद है फटा तो पोलन ग्रेन गिरेगा ही गिरेगा यानी कि एक तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ से दैट इज एश्योर्ड सीड बनेगा ही बनेगा, नए बीज बनेंगे ही बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी होगी बिना पॉलिनेटिंग एजेंट के विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट ठीक है जी विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट कोई एजेंट नहीं है लेकिन पक्का पक्का सीड सेट बनेगा ही बनेगा एक नुकसान भी है एक नुकसान भी है क्या कोई नुकसान बता सकता है यस yes, मेरे बच्चों क्या कोई नुकसान पे बता सकता है नुकसान एक है कि भाई अगर एक ही प्लांट जो कि बंद है फ्लार बंद है वही आपस में पॉलिनेशन 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 करता रहेगा कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा इसको इज वन डिसएडवांटेज आल्सो द डिसएडवांटेज इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ठीक है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन और इसको ही सुधारने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की मदद लेते हैं ठीक है जी क्रॉस पॉलिनेशन की मदद लेते हैं है. इस पेज में से 2012, 2013 में क्वेश्चन आ चुके इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन का ये सारा पेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये जो जिटोनोगेमी की बात की है कि इसमें जेनेटिकली क्या है और इकोलॉजिकली क्या है फंक्शनली क्या है 2014 में उसमें क्वेश्चन आ चुका है तो 2012, 13, 14 को ये टॉपिक बहुत पसंद था और तब से टॉपिक इतना पसंद है कि हर साल पॉलिनेशन में से सवाल आ ही रहा है अब भाई ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है खुद से हो रही है मैं नहीं करवा रही हूँ जाके लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि मैं क्रॉस पॉलीनेशन कराना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ मेरे चॉइस के पॉलन ग्रेन गिरे वैसे तो हवा पानी जिसके गिराना चाहे गिरा सकते हैं बट आई है सुपीरियर प्लांट्स मुझे इन सुपीरियर प्लांट्स के ही पोलन ग्रेन्स इधर-उधर करने हैं वही मुझे स्टिग्मा पर डालने हैं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी तो मुझे क्या करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी तो मैं एक नई शीट ले लेती हूँ हमको क्या करना पड़ेगा हमको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा करें यस yes. क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हो खुद से सोच के कर रहे हो आपने प्लांट्स चूज किए हुए आप चाहते हो उसी का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरे एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है जी एक्सपेरिमेंटल क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करोगे दो तरीके हैं दो केसेस हैं पहला है केस वन केस वन आपके पास बेटा जी बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्या है

द मेच्योरिटी ऑफ दिस एंथर इस एंथर के फटने से पहले आप इसके मेल पार्ट को निकाल दो तभी अपने चॉइस के पॉलिम इस पे डाल सकते हो यानी कि द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट इसको बोलते हैं हम ई e मास्क्यूलेशन समझते हैं ठीक है बिफोर एंथर रीचेज मेच्योरिटी यू हैव टू रिमूव द पार्ट ठीक है अब आपने मेल पार्ट रिमूव कर दिया अब मेरा प्लांट क्या हो चुका है यूनिसेक्शुअल हो चुका है यानी कि द प्लांट नाउ लुक्स लाइक दिस

बैगिंग कर दीजिए, ऊपर so ना गिरे और और अपना क्या हो 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 जाए, जाए। मान लो स्टिग्मा हो गया, आपने बैग हटाया अपनी चॉइस के की डस्टिंग कर दी, Dusting of pollen grain of your choice. अपनी के लेकर आए और उसके ऊपर छिड़क दिए छिड़क दिए अब कुछ डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए उसके ऊपर फिर से पन्नी चढ़ा दो पॉलिथिन रैप कर दो बटर पेपर से यानी कि उसकी क्या कर दीजिए रीबैगिंग कर दीजिए अपनी चॉइस का आपने पॉलन ग्रेन इसमें डाल कर दिया ये तो केस था बाइसेक्सुअल में अब लेते हैं केस टू केस टू हो सकता है आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है यानी कि फ्लावर मेरा कैसा दिखता है ऐसा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल वाला पार्ट है बताओ इसमें क्या स्टेप्स होंगे इसके ऊपर भी मुझे अपनी चॉइस का आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करना है क्या स्टेप्स होंगे क्या इसके ऊपर पहले इमेस्कुलेशन करें शुड वी राइट इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट इसके पास बेटा मेल पार्ट कहाँ है दिख रहा है तुम्हें बताओ कहाँ से शुरू करूँ इसके अंदर कोई भी ई मास्कुलेशन नहीं होगी क्योंकि मेल पार्ट है ही नहीं बेटा अपन लोग स्टेप नंबर टू थ्री और फोर करेंगे स्टेप नंबर वन नहीं करेंगे स्टेप नंबर टू बैगिंग डस्टिंग रीबैगिंग ठीक है जी यस ई मैस्कुलेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ मुझे बाई फ्लावर्स में चाहिए अपने को यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स में ई e मैस्किलेशन नहीं चाहिए क्लियर सी बात है 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 ना बड़ा आसान सा बात सिंपल है, है समझने में तो ये बात ये बात होगी मेरी सारे पैराग्राफ्स है बेटा आपकी एनसीआरटी में हर पैराग्राफ को मैं एक एक पेज पर लेकर यहाँ समझा रही हूँ जब आप घर जाके इसका एनसीआर खोलेंगे तो आपको वो पैराग्राफ डेफिनेटली समझ आने वाला है समझ आने वाला है ठीक है जी यस yes. चलिए अगला टॉपिक मेरे पास क्या आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अब मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करानी है कैसे कराऊं दो तरीके के एजेंट कराऊ वन इज द बायोटिक एजेंट अदर वन इज द ए बायोटिक एजेंट अदर वन इज द एजेंट ठीक है यस बायोटिक एजेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिक मतलब नॉन लिविंग पहले ए बायोटिक लिख लेते हैं ए बायोटिक में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा हवा से कर सकते हो यानी कि विंड पॉलीनेशन और कैसे कर सकते हो पानी से कर सकते हो यानी कि वाटर पॉलिनेशन और कैसे कर सकते हो रेन के द्वारा भी कर सकते हो रेन वाटर से भी आप पॉलिनेशन कर सकते हो नेक्स्ट आ जाते हैं बायोटिक एजेंट में बायोटिक एजेंट में यानी कि लिविंग एजेंट आपको चाहिए बहुत सारे अवेलेबल हैं यू हैव इंसेक्ट बर्ड्स बेटा जी पॉलीनेट कर सकते हैं एंड देन बैट स्नेल बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए बेटा एनसीईआरटी में स्नेक है एंट है बर्ड है लिख लिया बर्ड लेमूर है ठीक है मंकी है इनफैक्ट एंथ्रोपोजेनिक भी तो कर सकते हो हम भी तो बायोटिक एजेंट है अभी करके तो आए हैं दैट इज ह्यूमन ह्यूमन भी बेटा जी पॉलिनेट कर सकता है अगर ह्यूमन करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोफिली एंथ्रो वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन ये हमने पढ़ा था इकोलॉजी में एंथ्रोपोफिली इसको बोलेंगे जैसे एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन अपना एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम एंथ्रो वर्ड इज रिलेटेड टू ह्यूमन डिस्टर्बेंस ह्यूमन आ गया ह्यूमन ने काम कराया अच्छा अगर बेटा जी इंसेक्ट कराता है उस टाइप की पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं एंटोमोफिली कुछ कुछ वर्ड हमें याद रखने एंटोमोफिली ठीक है जी अगर बर्ड्स ये काम कराते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑरनीथोफिली ऑरनीथोफिली अगर विंड ये काम कराता है तो हम लोग इसको बोलते हैं एनिमोफिली एनिमोफिली पानी कराएगा तो पानी यानी कि हाइड्रो हाइड्रो

ये मेजर है ठीक है जी है ना बाइटिंग एजेंट मेजर है बाइटिंग एजेंट मेरे क्या है मेजर इनमें से भी अगर मुझे एक को चूज करना हो तो मैं किसको चूज करूंगी इंसेक्ट वाले मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी किसके द्वारा होती है मैक्सिमम होती है आपकी इंसेक्ट्स के द्वारा देन बेटा जी उधर देखा जाए तो इधर मैक्सिमम होती है मैक्सिमम होती है विंड के ठीक है जी

हवा ने पॉलन ग्रेन लेके जाने तो क्या हवा भारी चीज लेके जा सकती है बताओ क्या हवा भारी चीज लेके जा सकती है नहीं तो सबसे पहली चीज इसके पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूंगी तो दे हाँ वेरी मच लाइट ठीक है जी नॉन स्टिकी होना चाहिए ऐसे नहीं कि जगह जगह चिपक जाए हल्के होने चाहिए नॉन स्टिकी होनी चाहिए हवा उनको आसानी से इधर उधर ले जाए ठीक है अगर इसके फ्लावर्स की बात करें फ्लावर्स शुड हैव Well हवा उन तक पहुंच पाए ऐसा ना well exposed हो छुपाओ वेल एक्सपोज स्टेमन हो ठीक है जी यस yes. अगर मैं इसके स्टिग्मा की बात करूं स्टिग्मा टू बी फेदरी बड़े बड़े होने चाहिए फेदरी होने चाहिए ताकि उसमें पोलन ग्रेन के जो जत्थे हैं वो आकर ट्रैप हो जाए ठीक है ट्रैप हो जाए क्या मुझे यहाँ पर कोई रिवॉर्ड रखने की जरूरत है क्या मुझे फ्लोरल रिवॉर्ड चाहिए नहीं कोई नेक्टर वेक्टर रखना है कोई रंग अच्छा करना है कोई स्मेल लानी है कोई भी मुझे यहाँ पर फ्लोरल एवॉर्ड नहीं चाहिए हवा आएगी हवा उड़ेगी पोलन ग्रेन पहुंचेंगे हवा में और हवा से सेम स्पीशी के दूसरे स्टिग्मा पर लैंड कर देंगे ठीक है लैंड कर देंगे एक तरीके से तो बेटा हिट एंड ट्रायल है हो सकता है लैंड हो जाए हो सकता है लैंड क्या ना हो तो इट्स अ डायरेक्शनलेस प्रोसेस हमें नहीं पता सच में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा यानी कि ये एक तरीके का डायरेक्शन लेस एंड वेस्टफुल प्रोसेस है खूब वेस्ट भी होते होंगे ग्रेन है ना वेस्टफुल प्रोसेस है हो सकता है इतनी मेहनत के बाद pollen ग्रेन पहुंचा और वो उसका स्पीशी ना निकला है ना स्पीशी ना निकला तो यहाँ कहते हैं कि ऑर्डर टू इंश्योर कि फर्टिलाइजेशन में कम से कम एक ओव्यूल तो जरूर हो तो यहाँ पर अपने एक ओव्यूल रखते ही रखते हैं सिंगल ओव्यूल होता है कि भाई तू आएगा तो इसको तो कम से कम फर्टिलाइज कर ही ले सिंगल ओव्यू ले इसको क्या कर ले फर्टिलाइज कर ले ठीक है जी यस yes, में मेरे फ्लावर्स होंगे पैक्ड फ्लावर्स पैक्ड इन ऊपर ही लिख देती फ्लोरिस यहां पर पैक्ड इन इन फ्लोरिस ठीक है मेरे बच्चों तो ये बात होगी मेरे विंड पॉलीनेशन की अब मैं अगर आपको यहां से दिखाऊं मैंने सारे वैसे मेन पॉइंट्स यहां लिख लिए हैं अगर आप यहाँ देखोगे इस बार मैं एनसीआरटी आपके लिए पहले से भर के लाई हूँ क्या क्या आपको देखना थिंग इज अंडरलाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सीप पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलते हैं ठीक है जी सीप पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल ढाई लाख से ऊपर उसमें बच्चे हैं उसी को ज्वाइन करिएगा एंड यस तो मैं उसमें ये वाले एनसीईआरटी के पेजेस भी ऐड कर दूंगी तो ये बेटा जो पैराग्राफ है ना पेज नंबर थर्टीन पे न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर थर्टीन दिस पेज दिस पैराग्राफ इज फॉर विंड ठीक है

फोटो भी बनी हुई है नेक्स्ट आ जाएंगे वाटर पॉलिनेशन पे हम पहले एबायोटिक पढ़ रहे हैं यानी कि जल की मदद से अगर परागन हो जल की मदद से अगर पॉलिनेशन हो उसको बोलेंगे वाटर पॉलिनेशन। मैंने बोला है है लीस्ट कॉमन है। इसको प्लांट प्रेफर नहीं करते हमें नहीं करानी वाटर पॉलीनेशन वाटर वाले प्लांट भी बोल रहे हैं मैं नहीं कराऊंगा मैं बड़ा हो जाऊंगा बड़ा होके पानी से बाहर आके अपनी विंड पॉलीनेशन करा लूंगा ठीक है बट अगर कोई करा रहा है तो इसकी क्या खास बात है तो पोलन ग्रेन्स बेटा जी यहाँ पर लाइट वेट ही होने चाहिए पानी ने लेकर जाने हैं लाइट वेट दूसरी चीज बेटा जी उसके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए अनवेटेबल अनवेटेबल लिखा हुआ है बेटा एनसीआर में इनके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो सकते हैं स्टिगमा कैसा रखें हल्का रखें, भारी रखें। स्टिग्मा शुड बी आल्सो अनवेटेबल इसके ऊपर भी म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए लॉन्ग होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए फिर मैंने इंपॉर्टेंट लाइन आपको क्या बताई लीस्ट कॉमन कोई पसंद नहीं करता इसको सिर्फ तीस जेनरा लिमिटेड है लिमिटेड टू ओनली बताओ ये क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी जेनरा लिमिटेड टू ओनली थर्टी जेनरा ठीक है वो भी मोस्टली मोनोकॉर्ड्स अभी आप यहां पर देखेंगे, ही ऐसे हैं एग्जाम्पल इसको प्रेफर नहीं करते हैं ठीक है जी वो भी इसको प्रेफर नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं हाइड्रोफिली दो तरीके से हो है। या तो पानी के ऊपर के या फिर पानी के सरफेस के नीचे ठीक है जी तो दो तरीके की मैं ये जल परागन को डिवाइड करूंगी वन इज कॉल्ड एस एपी हाइड्रोफिलीड एपी मतलब ऊपर एंड अदर वन इज कॉल्ड एस हाइपोहाइड्रोफिली ये सब दिया हुआ है मैं खुद कुछ से नहीं करा रही हूँ ठीक है एनसीआर का ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। एपीहाइड्रोफिली कौन शो करता है फ्रेश वॉटर प्लांट्स जैसे कि की वैलिसनेरिया वैलिसनेरिया ठीक है हाइपोहाइड्रोफिली कौन शो करता है मरीन वाटर में प्रेजेंट मरीन वाटर प्लांट जैसे कि जोस्टेरा जिसको हम अपन लोग सी ग्रास भी बोलते हैं ग्रास माने मोनोकॉट हो गया ना चलिए सबसे पहले बात करते हैं एपीहाइड्रोफिली यानी कि पॉलिनेशन पानी के जस्ट सरफेस के ऊपर होगा पॉलिनेशन एट द सरफेस ऑफ वाटर एट वाटर का सरफेस ठीक है जी अब क्या होता है जो मेल फ्लावर है ना मेल फ्लावर ना पानी में फ्लोट कर रहा होता है यहाँ पर मैं मेल लिख देती हूँ यहाँ पर मैं फीमेल लिख देती हूँ पानी की मदद से अपने ने भेजना है ठीक है मेल फ्लावर इज इस फ्लोटिंग इसकी फ़ोटो भी बनी हुई है एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी ठीक है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और जबकि जो मेरा फीमेल फ्लावर है वो काफ़ी लॉन्ग है ठीक है वो ऊपर बिल्कुल सरफेस तक पहुंचता है। लेट मी शो यूर ये देखिए पर देखिए, फ्लावर कितना ऊंचा तक पहुंच रहा है ये देखो, female का पार्ट है सो लॉन्ग क्वाइट पानी के बिल्कुल सरफेस तक पहुंच रहा है और ये मेरे मेल फ्लावर है मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन रिलीज कर देने हैं तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है इट विल रीच द फीमेल पार्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर पानी के सरफेस पे हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा एपी हाइड्रोफिलिक एपी हाइड्रोफिलिक याद रहेगा याद रहेगा अच्छा दूसरा वाला कौन सा है दूसरा वाला है मैम मेरा हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन जस्ट बीनीथ वाटर सरफेस थोड़ा सा नीचे पॉलिनेशन जस्ट बीनीथ थोड़ा सा नीचे बस वाटर सरफेस ठीक है यहां पर फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर सब पानी के अंदर दसे हुए हैं जिसकी वजह से जो मेल पार्ट है ना जो मेल प्लॉट है इसको जो पॉलन ग्रेन बनाने पड़ेंगे वो काफी लंबे और रिबन लाइक बनाने पड़ेंगे लॉन्ग रिबन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ रिबन लाइक पॉलन कैसे बनाएगा लंबे लंबे रिबन लाइक पॉलन ग्रेन बनाएगा क्योंकि बेटा उसे पानी के नीचे करना है है पानी के अंदर करना ग्रेन होंगे तो, तो। यहाँ पे रिबन लाइक बनाए हैं कि वॉटर के करंट से इधर उधर ना बह जाए उसी प्लांट को पॉलिनेट करें इसीलिए लंबे और रिबन लाइक पॉलनग्रेन हमने यहां पर बनाए हैं और दोनों केसेस में ग्रेन पैसिवली वॉटर की मदद से पहुंचते हैं कैसे पहुंचते हैं है, दोनों ठीक है, -like है? है. तो यहाँ पर दो प्लांट्स ऐसे बताए हैं जिसमें वाटर पॉलिनेशन होती है वाटर प्लांट्स है वाटर पॉलिनेशन होती है लेकिन अब मैं आपको दो प्लांट ऐसे बताने वाली हूं जो वाटर प्लांट्स है लेकिन फिर भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते है ना फिर भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते तो मेरे पास अक्वाटिक प्लांट्स कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर पॉलिनेशन प्रेफर नहीं करते हैं या तो इंसेक्ट कराएंगे या विंड कराएंगे एग्जाम्पल इज वॉटर हाइसिंथ वॉटर हाइसिंथ दैट इज आइकोर्निया टेरर ऑफ बेंगोल ठीक है और मेरे पास दूसरा आता है वॉटर लिली देर पॉलिनेशन गो फॉर आरोप नहीं कर विंड पॉलिनेशन अब ये मैम कहां पर दिया हुआ है ये सब बिल्कुल आपके दिया हुआ पैरा नंबर टू पे पेज नंबर थर्टीन पे जाएंगे पैरा नंबर टू पे आप यहां पर फटाफट से देख लीजिए क्वाइट रेयर है तीस जेनेरा में होती है मोस्टली मोनोकॉट में होती है पुराने वाले आ, एंज़ोस्पॉम से नीचे देखिए एल्गी और ब्रायो वहां तो पानी हम यूज करते ही करते थे अभी देखो वैली पानी के ऊपर होगा पानी के होते हुए मूवमेंट है यहाँ पर yes, ये हाइपोहाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल रहेगा जोस्टेरा यानी कि सी ग्रास दोनों केस में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा को कवरिंग से प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि पानी इनको नुकसान ना पहुंचा पाए

अमेजॉन पे अवेलेबल है क्या बता दूं सिंपल सी बात है वन ऑफ द बेस्ट बुक बेटा मैंने रिलीज की है पिछले साल भी आई थी इस साल और बेहतर तरीके से आई है चौबीस मॉक टेस्ट है उसमें सब बच्चे अमेजॉन पे जाकर सीप पाउजा बुक डालेंगे आपको मिल जाएगी ठीक है वहां जाके देखो आ, सीप पाउजा बुक में ही अवेलेबल है एमेजॉन पे डालना उसमें चौदह यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है दस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है एंड साथ में मैंने सप्लीमेंट्री बुक भी ऐड की है जिसमें सारे न्यू टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के विथ थ्योरी एंड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं यू कैन बाय फिफ्थ ऑफ जैन से मैं आपको उसके टारगेट देना शुरू करूंगी हम यूनिट वाइज मॉक टेस्ट उसमें स्टार्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपके पास उसमें ओ एम आर ओ एम आर से आप अपनी ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस कर पाएंगे नो no डाउट आप ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन बबलिंग का प्रैक्टिस होना अति आवश्यक है सारा पेपर आता हो लेकिन अगर आपने बबल गलत भर दी आपको क्या लगता है जो टीचर जी हैं इनविजिलेटर जी हैं एग्जामिनर जी हैं क्या आपको नई ओ एम आर देंगी क्या आपके पास समय भी होगा अगर देंगी तो सबसे पहली बात है वो देंगी नहीं दे भी दिया तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा समय नहीं हुआ तो बेटा क्या करोगे फिर है ना जी yes? हाँ जी चलो बेटा मैं देख रही हूँ सेशन को लाइक नहीं किया यार क्या बात है क्या बात है भाई सेशन को लाइक क्यों नहीं किया हां जी, कीट परागण करने वाले हैं एंटोमोफिली करने वाले हैं दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेशन करने वाले हैं यस yes, कौन से टाइप की पॉलिनेशन हम लोग अभी करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन तुम खुद बताओ मक्खी क्या फ्री में बैठेगी किसी फ्लावर पे मक्खी नहीं बैठेगी मक्खी के बहुत नखरे मक्खी कह रही है पहले तो मुझे फ्लावर दिखना चाहिए फ्लावर शुड बी लार्ज इन साइज ठीक है इंसेक्ट की नजर जानी चाहिए मक्खी को दिखना चाहिए ठीक है सुंदर होना चाहिए कलरफुल ऐसे मक्खी नहीं देती है ठीक है जी उसमें से फ्रेगरेंस निकलनी चाहिए फ्रैगरेंट तभी मक्खी अट्रैक्ट होगी है ना गुड़ के ऊपर मक्खी क्यों आती है मक्खी गुड़ में से स्मेल भी आती है गुड़ स्वाद भी होता है गुड़ में से खाना भी निकलता है, है ना इस वजह से आती है उसके पास नेक्टरीज होनी चाहिए खाने का प्रबंध होना चाहिए ठीक है जी ये एक तरीके का प्राइज है जो इनको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड क्या क्या हो सकता है फ्लोरल रिवॉर्ड Reward, बेटा जी हो हो सकता है है कि नेक्टर हो। ये लोग भी खाते हैं आके इनकी मिटती अच्छा कैसे कैसे करें पॉलन ग्रेन कैसे करें स्टिकी करेंगे ताकि मक्खी के पैरों के साथ चिपक जाएं ठीक है जी स्टिकी पॉलन ग्रेन होंगे जो फ्लावर्स हैं उनको भी इन में पैक कर दो ठीक है अगर स्मॉल साइज है इन इफ स्मॉल साइज बना दो उसका अगर स्मॉल साइज है क्योंकि देखिए बेटा मक्खी को फ्लावर दिखना चाहिए अब छोटे छोटे उसको नहीं दिख रहे हैं अगर छोटे हैं तो कर दो छोटे नहीं है तो अलग अलग भी चलेंगे स्टिग्मा भी स्टिकी कर दो स्टिग्मा भी स्टिकी कर दीजिए ताकि जब मक्खी उस पर बैठे तो उस उसपे चिपक जाए इंसेक्ट भी क्या हो उस पर चिपक जाए ठीक है जी यस चलिए अब अगर पूछा जाए एंटोमोफिली में भी सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है तो मोस्ट कॉमन तुम बोलोगे मक्खी मोस्ट कॉमन बी कॉमन आपके पास कौन सा आ रहा है बी आ रहा है ठीक है जी बी आ रहा है अब यहां पर एग्जाम्पल आपसे पूछा है सेफ प्लेस टू ले एग वाला उसमें एक एग्जाम्पल आएगा अमोरफोफेल्स अमोरफोफेलस के बारे में बहुत खास बात एनसीईआरटी बताती है काफी लंबे फ्लावर्स होते हैं लॉन्ग फ्लावर्स होंगे बेटा जी इसके और किसके बारे में बताती है सेफ प्लेस टू में यका प्लांट एंड मॉथ ठीक है यका प्लांट प्रोनोबा मौत और किसके बारे में बताती है फिग प्लांट एंड वॉस्प प्लस वॉस्प इनका तो भैया ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है ये तो अलग कर ही नहीं सकते तुम फिग कहता है कि भाई अगर अपना वॉस्प गायब हुआ मैं मर जाऊंगा यक्का भी कहता है प्रोणुभा गायब हुआ तो मैं मर जाऊंगा एंड जा। की कहानी नहीं है तो हीर भी नहीं है, हीर नहीं है तो रांजा भी नहीं है। यहां भी ऐसा ही है अगर हम जियेंगे तो साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ ऑब्लीगेट रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है ऑब्लीगेट रिलेशनशिप है यानी कि इनकी एवोल्यूशन एक साथ ही होगी एक एक्सटेंट तो दूसरा भी एक्सटेंट दैट इज को एवोल्यूशन होता है ना वैसे आज के टाइम पे ऐसा प्यार मिलता नहीं है आजकल तो बेटा कॉल्पा बी वाला प्यार मिलता है कॉल्पा बी याद है सबको याद है ओफायरस ने कैसे धोखा दिया था कैसे धोखा दिया था ओफायरस और ऑर्किड है ना जी यहाँ पर अपने आप को फीमेल कॉल्पा बी की तरह बना के बैठ जाता है और कॉल्पा मेल वाला अट्रैक्ट होता है कि भाई फीमेल आ गई फीमेल आ गई वहां जाके वो कॉपुलेशन के लिए बैठता है और बैठने पता चलता भाई ये तो प्लांट निकला ये तो मेरी कॉलपा बी नहीं है

यस yes. ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फ्लावर शुड बी लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट नेक्टर रिच अगर छोटा है तो बेटा इन फ्लोरसेंस में होना चाहिए ठीक है जी स्टिकमा भी स्टिकी होना चाहिए फिर बेटा जी यहाँ पर बात की गई है टॉलेस्ट फ्लावर की दैट इज अमार्फोफेलस जो की छह फिट है हाइट में ठीक है जी यहाँ पर सेफ प्लेस टू ले एक्सैम सिमिलर रिलेशनशिप आपको किसमें एंड प्रोनोबा मौथ में मिलेगा जिसका लाइफ साइकिल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ठीक है जी डिपेंडेंट है एक मरेगा दूसरा भी मर जाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइस हम लोग करके आ चुके हैं अगला टॉपिक हमारा बनेगा पॉलन पिस्टन इंटरक्शन बच्चों पॉलन पिस्टन इंटरैक्शन एवरी वन इज विद मी हां क्या देखो ना कैसी बातें कर रहे हैं आपका भाई गर्ल बाइक घूम रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब सब बॉयज घूम रहे हैं एक लड़का ऐसा है इसका मतलब ये नहीं कि सारे लड़के ऐसे हैं ऑर्किड ऐसा है इसका मतलब ये नहीं कि सब ओफायरस है ना एक से हमें स्टीरियोटाइप मत किया जाए हम बुरे नहीं हैं हम तो बहुत अच्छे हैं है ना जी ये जो यहाँ आ रहे हैं ना कथा गाने के लिए लड़के बेटा सबसे पहले वही नंबर में आते हैं ठीक है पढ़ाई कर लो बाकी सब हो सकता है बाइक लेके घूमने की जो सवार की आपकी प्लान है ना ये सब हो सकते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती बाद में समय एक बार निकल गया नीट क्या तो निकल गया ठीक है अब पिस्टल लड़का और लड़की आपस में बातचीत करेंगे आर यू रेडी टू मैरी मी अरेंज मैरिज में होता है ना लव मैरिज में भी स्टार्टिंग में तो होता है बात तो करती है बिना बात करे तो शादी नहीं कर देंगे है ना आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी होगी बातचीत होगी यानी कि केमिकल डायलॉग होगा केमिकल डायलॉग के बाद कंपैटिबिलिटी साबित होगी तो भाई हम शादी की तरफ मूव करेंगे अगर बातचीत करने के बाद कंपैटिबिलिटी ही नहीं मिली तो भाई हम आगे की तरफ मूव ऑन नहीं करेंगे ठीक है जी नहीं करेंगे सो so, बेसिकली ये शादी से पहले की बातचीत है इस बातचीत को हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल डायलॉग है बोल दें केमिकल डायलॉग है ठीक है जी इसमें लड़का लड़की को कन्विंस करेगा प्लीज मुझे पोलन ट्यूब बनाने दो है ना यानी कि पोलन पोलन ग्रेन इज गोइंग टू कन्विंस स्टिग्मा प्लीज प्लीज लेट लेट मी मी मेक मेक ट्यूब ठीक है यहाँ पर कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा एक नाम का बे, बहुत बेकार सीरियल आता है बेटा वहां पर ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं वैसे कुछ नहीं होती है बट यहाँ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन इन्वॉल्व हैं जो कि टैपेटम ने बनाए थे जिससे टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे टेस्ट क्या है? कि मैं गाजर हूं तो गाजर ही है ना मूली तो नहीं आ गई गाजर का गाजर पे जाना चाहिए मूली का मूली पे गोभी का गोभी पे एप्पल का एप्पल पे यही कंपेटेबिलिटी इनकी टेस्ट हो रही है अगर कंपेटेबिलिटी हो गई यस हो गया भाई स्टिग्मा ने यस कर दी यस कर दी तो क्या होगा शादी की तैयारी बारात लेके आइए बारात लेके कौन आ रही है पोलन उस बारात पर कितने दूल्हे एक दूल्हा दो दुला, दो दुले. दो यानी कि मेल गैमिट सवार होकर आएंगे अब जो पोलन ट्यूब बनेगी उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे साइफोनोगेमी, क्या बोलोगे बेटा जी इस प्रोसेस को साइफोनो अरे रुको ये हमारा ये जो वो है ना परेशान कर रहा है कोई बात नहीं हम्म हम्म हाँ जी कई बार बारात आने में देरी हो जाती है ना बेटा फूफा जी मामा जी बड़ा नखरे करते हैं वो बड़े अच्छे नहीं थे उसमें प्याज नहीं डाले थे इसलिए मैं नहीं बारात को आगे बढ़ने दूंगा तो ये थोड़ा सा बीच में हमारा चलता रहता है ठीक है ये फूफा जी मामा जी हैं जो इसकी वजह से बारात आगे नहीं बढ़ रही है चलिए तो बारात आई यानी कि साइफोनोगेमी साइफोनोगेमी मतलब पोलन ट्यूब बनी कैसे बनी तुमको पता है एक जंपोर से निकलेगी ये मेरा पोलन ग्रेन था इसके पास एक्साइन है ये मैंने बाहर यहीं पे बनाया है एक्साइन ये हम पिछली क्लास में कर चुके दिस वन इज इंटरनल वन इज इंटाइन इंटाइन ठीक है जी यहां से बेटा जी निकलेगी मेरी पोलन ट्यूब रुको यहां से मेरी जॉम में से निकली आपकी पोलन ट्यूब ठीक है जी इस में कितने को कितनों को को बिठाऊं? बिठाऊं? कितनों दो बिठाऊंगी। टू टू मेल मेल आते आते हैं। आते हैं। ये जो बातचीत हुई, ये किस टाइप का मूवमेंट है कौन बुला रहा है? है, है? बेटा जब बारात निकलती है, तो किसके द्वार द्वार पे जाती है? के द्वार पे? कि जहां शादी हो रही होती है, की जाती लड़की के यानी ठीक है क्या होगा कीमो मूवमेंट होगा एपिकल ग्रोथ शो करेगी बेटा ये एपिकल ग्रोथ शो करते हुए चलती जाएगी किसकी तरफ फीमेल पार्ट की तरफ चलती जाएगी एक पोलन ट्यूब में मेरे पास कितने गैमिट्स जा रहे हैं दो मेल गैमिट्स जा रहे हैं यानी कि एक मंडप पे कितना दूल्हा जा रहा है दो दूल्हा जा रहा है ठीक है जी अब इसको एंट्री मारनी है ओव्यूल के अंदर बैठे एम्ब्रियोसैक में तो ये मैं ओव्यूल बना लू समझ आ रहा है ना ये मेरा एम्ब्रियोसैक है यहाँ पर प्रेजेंट है बीच में पोलर न्यूक्लिया है अब ये जो मेरी पोलन ट्यूब है पोलन ट्यूब है इसके पास दो रस्ते हैं क्या है दो रस्ते हैं कि भाई मैं ऊपर से एंट्री मारू कि मैं नीचे से एंट्री मारू दो रस्ते दिख रहे हैं दिख रहे हैं ये एंट्री मारती कहां से है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक याद रखना है तो ये आई यहां से यू टर्न लिया यू टर्न लेने के बाद माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब ने अंदर एंट्री मारी ठीक है जी कीमोट्रोपिक मूवमेंट किया एंड एंट्री टू एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में तो कहीं से ही मार लेगी एम्ब्रियो सैक में एंट्री किस द्वार के वक्त बेटा एक रिबन काटा जाता है आपको याद हो तो है ना वो माइक्रोपाइलर एंड पे ही होगा एंड पे धूले की सालियां रिबन लेके खड़ी रहेंगी ठीक है जी वहीं पर इंतजार होगा बैक गेट से थोड़ा एंट्री मारेंगे है ना दूला फ्रंट गेट से गेट से से ही मारेगा बैक तो नहीं मारेगा ठीक है तो ये इसका फ्रंट गेट है फ्रंट गेट यानी माइक्रो पाइलर एंड इस एंड से बेटा जी इसने एंट्री मारी क्यों यहाँ पर कौन खड़ा था यहाँ पर बेटा जी इसको रिसीव करने के लिए रिसीव करने के लिए सालियां मतलब रिसीव करने के लिए फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है फिलीफॉर्म एपरेटस आपने पिछली क्लास में किया था ये फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होता है साइनर्जिट्स के पास होता है यही वो केमिकल रिलीज करते हैं कि आओ आओ यहीं से आपका अंदर एंट्री होगा केमिकल रिलीज किया थोड़ा बहुत बातचीत करी पैसे लिए है ना इस टाइम पे पैसे मिलते हैं लड़कियों को पैसे लिए रिबन काटा मिठाई खाई और अंदर बढ़ गए ठीक है जी सो पोलन ट्यूब हैज नाउ मेड एन एंट्री End. जी? End. इसमें जो एंट्री हुई है फिर दूसरा साइनरजिड आएगा वो भी अपनी कुर्बानी दे देगा तो दोनों ने अपनी कुर्बानियां देनी है देख रहे हो सो वन साइनरजेड डी जेनरेट बिफोर एंट्री डी जनरेट बिफोर एंट्री एंड सेकेंड साइनर ट्यूब बातचीत थी पोलन पिस्टल इंटरक्शन था ये हुआ? जब pollen -tube बननी चालू हुई ये एंड कब हुआ जब पोल ट्यूबरी से आके अंदर पहुंच गई पहुंच गई बेटा द्वार पे आ चुकी है द्वार से आगे रिबन काट के दूल्हा अंदर जा चुका है ठीक है जी दूल्हा अंदर जा चुका है अब सिचुएशन देखिए देखिए बेटा, बाकी के लोगों का क्या करें ये मेरा एम्ब्रियो एम्ब्रियो सैक सैक था, इस में जी एग सेल था। और यहां पर दो पोलर न्यूक्लिया थे ये मेरी पोलन ट्यूब आई पोलन ट्यूब ने बेटा जी एंट्री मारी तो सबसे पहले तो किसको उड़ाऊ साइनरजिट को क्योंकि वो कुर्बानी दे देते हैं अपनी तो पहले उड़ा दो चलिए दूसरा सा एनर्जिट बाद में उड़ा दिया तो मेरे पास बचा क्या मेरे पास बेटा जी यहाँ पर एक एक्सेल बचा है ना धीरे धीरे क्या होता है ये एंटी भी गायब हो रहे हैं ये एंटी भी बेटा जी तीनों झड़ गए गायब हो गए क्योंकि अल्टीमेटली शादी तो दूल्हा दुल्हन ने करनी है ना उसी को रखेंगे चलिए तो दो मेल गैमिट बेटा जी यहाँ पर सवार होकर आ रहे हैं मेरे पास बचा एक एक्सेल और यहाँ पर बचा दो पोलर न्यूक्लिया दिस इज द एक्सेल समझना ये दोनों क्या है पोलर तो न्यूक्लिया अब हुआ क्या पोलर न्यूक्लिया है कहते हैं शादी से पहले ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहता हो हो हूँ क्या किया ये दोनों बेटा जी पोलर आपस में फ्यूज हो गए फ्यूज हो गए इन्होंने सिंगल न्यूक्लियस बना लिया इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बोलते हैं बेटा प्यारो के आ रही हूं त्यार कैसे होके आई ये प्यारो की आई फ्यूज हो गई ठीक है क्या बना लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस बताओ इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल होगा टू एन क्योंकि पोलर न्यूक्लियर दोनों क्या थे एन और एन एग सेल का प्लॉइडी लेवल क्या है एन दिस इज द सिचुएशन मंडप में पहुंचने से पहले ही सिचुएशन है सब फालतू के लोग शादी से जा चुके हैं आपको पता ही है लोग खाना खाने आते हैं फेरे तो बहुत लेट होते हैं है ना अगर मैं एक हिंदू मैरिज की बात करूं तो लोग तो अपना पाव भाजी ये गोलगप्पे ये चाट चटाई खा के गायब पैसे देके गायब है ना असल में असली शादी होती है जब फेरों का वक्त होता है तब तो कौन बचता है बेटा घर घर के लोग बाकी सब चले जाते हैं वही हालत है सब गायब हो गए भी भी चले गए। भी चले गए गए भाई जिसने शादी करनी वही रह गए ठीक है जी यानी कि अब हम पहुंचेंगे अपनी शादी के प्रोसेस पर जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन है ना फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का लिख दिया मैं यहाँ पे ले लेती हूँ यस yes, मेरे बच्चों ले आए शुरू करें फर्टिलाइजेशन सबको यहाँ तक समझ आ चुका है बारात आई दो दूल्हे आए ठीक है जी एंट्री हुई उनकी माइक्रोपाइलर एंड से सारे रिश्तेदार चले गए जो एक्स्ट्रा लोग थे पड़ोसी वड़ोसी सब जा चुके हैं अब मेन मेन लोग बैठे हैं आ जाओ फर्टिलाइजेशन करते हैं मजेदार तरीके समझेंगे बेटा ऐसा समझोगे तुम कभी भूलोगे नहीं है ना क्या नहीं भूलेंगे ना शादी का प्रोसेस भूलेंगे ना हम फर्टिलाइजेशन भूलेंगे ठीक है अब फर्टिलाइजेशन में हो क्या एक बार फिर से मंडप बना लेते हैं यानी कि ये मेरा सेंट्रल सेल है ये मेरा सेंट्रल सेल है इस सेंट्रल सेल में क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर है बेटा जी सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड यहाँ पर कौन बैठा है एग बस यही बचा है। और तो कुछ नहीं बचा एंटीबॉडल भी खत्म हो गए एंड अपने भी खत्म हो गए दिस सेल इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल चलो पोलन ट्यू माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री भाजी कितने मेल, आ, मेल मेल है? दो टू मेल गैमिट्स है ठीक है अब ये दोनों मेल गैमिट बेटा एक से जाके तो नहीं शादी कर लेंगे दो शादियां होंगी यहाँ पे एक ही मंडप में दो ब्याह यस मेरे बच्चों तो होगा क्या ध्यान देना एक पोलन एक मेल गैमिट कहता है मैं जाकर जुड़ जाऊंगा मुझे थोड़ा सा आगे भेजो मैं जरा तैयारी करूँ न्यूट्रिशन की क्योंकि बड़े होके इसने सीड बनना है सीड के बाद इसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि ये सीडलिंग बन पाए उससे एक बड़ा पेड़ बन पाए तो एक जो मेल गैमिट है वो जाकर इस टू एन वाले कौन से वाले टू एन वाले इसका प्लॉडी लेवल टू एन है इसका प्लॉडी लेवल एन है एक मेल गैमिट जाकर इससे जुड़ता है एक मेल गैमिट जाकर इससे जुड़ता है तो कर ले पहली वाली फ्यूजन करते हैं जिसमें वन मेल गैमिट

ट्रिपलॉय क्या रहेगा ट्रिपलॉय और जब ये पेन बन गया तो अब मैं इस बड़े वाले सेल को क्या बोलूंगी पैक बोलूंगी ठीक है पेन बन गया अब ये बड़ा वाला सेल क्या है प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल और इस प्राइमरी एंडोस्पॉम सेल के अंदर है मेरा प्राइमरी एंडोस्पॉम न्यूक्लियस इस पूरे स्ट्रक्चर की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी ट्रिपलॉय क्या हो जाएगी सिंस बेटा जी तीन न्यूक्लियस बेसिकली अगर मैं देखूं तो यहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ और ट्रिपलॉय एंडोस्पम बना रहा है वॉट अबाउट दूसरा मेल गैमिट आपने तो बोला था मैम दो दूल्ले आएंगे दूसरे दुल्ले का क्या हुआ दूसरे दूल्हे का भी हम करते हैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा वो तो अब बात आती है सेकेंड मेल की ये जो मेल है इसका गो लेवल भी क्या है एन इसकी बेटा जी शादी किससे कराएंगे एग सेल से एग सेल एग्सल एग्सैल का प्लॉइडी लेवल भी क्या है एन ये तो बेसिक फ्यूजन होती है ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ये दोनों मिलकर सिंगल सेल एक बना लेंगे इस सिंगल सेल को हम लोग बोलेंगे आई का प्लोइड लेवल कितना हो जाएगा 2n ये तो बेसिक अपनी फ्यूजन है हमने पहले भी सुनी हुई है इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं सिनगेमी दिस इज कॉल्ड एज़ सिनगेमी तो भाई यहाँ पर एक मंडप के अंदर एक पैलेस के अंदर दो फ्यूजंस पहली फ्यूजन का नाम है ट्रिपल फ्यूजन दूसरी फ्यूजन का क्या नाम है सिनगेमी तो जब एक ही मंडप में दो शादियां हो जाएं इस शादी को फिर हम क्या बोलेंगे डबल शादी यानी कि द फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन क्या बोला जाता है इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक ही समय पर सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हो रहे हैं टू फ्यूजंस हैपनिंग इन सिंगल एम्ब्रियो सैक दो शादियां एक ही मंडप में इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन ठीक है जी तो अगर तुमसे कोई पूछे फर्टिलाइज एक्सेल को क्या बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे फर्टिलाइज एक्सेल कौन है Zygote. ये रहा ना एक्सेल एक्सेल जब फर्टिलाइज होता है तो क्या बनता है Zygote. अगर तुमसे पूछे फर्टिलाइज सेंट्रल सेल को क्या बोलोगे तो तुम बोलोगे पैक पैक कौन है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ठीक है जी चलिए तो ये बात हो गई फर्टिलाइजेशन की भूलोगे तो नहीं कभी दो शादियां एक ही मंडप में मंडप यानी कि एम्ब्रियो सैक दो शादी माने एक ट्रिपल फ्यूजन एक सिंगेमी. तो हो गई डबल

एम्ब्रियो में ठीक है फर्टिलाइजेशन पे मेरे पास एक पैक बना था प्राइमरी टिश्यू का नाम है फर्टिलाइजेशन के दौरान मेरे पास ओव्यूल थे ना जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा के अंदर है ओव्यूल तो के अंदर ही बेसिकली आपका जायगॉट और एम्डोस्पम बन रहा है ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ये जो मेरी ओवरी है

खाना माने खाना एंडोस्पर्म पहले एंडोस्पर्म बनाना पड़ेगा है ना मेरे बच्चों पहले पहले बनाना पड़ेगा तो अभी हम प्लेसेंटा like जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा इज अ मेजर न्यूट्रिटिव टिश्यू यहां पर एंडोस्पर्म इज अ मेजर न्यूट्रिटिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें एंडोस्पाम की आपको बताने वाली हूँ डायग्राम्स बहुत सारे दिखाऊंगी क्योंकि एनसीआर देती है उन डायग्राम्स को उसको हम एक एक लाइन से समझेंगे ठीक है याद करेंगे सारी चीजें देखिए मेरे बच्चों एंडोस्पर्म का लेवल क्या होता है <coughs> आपने अभी पढ़ा है एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल है, लेवल है ट्रिप्लॉय काम क्या है मैंने बोला प्रेसेंटा जैसा है नरिशमेंट देगा नरिशमेंट देगा ठीक है जी ये पहले होगा या बाद में होगा इट विल प्रिसीड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो पहले होगा प्रिसीड एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्योंकि खाना पहले तैयार कर लेंगे मेहमान बाद में आते हैं खाना पहले बन जाता है ठीक है एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बन जाएगा बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन अब दो तरीके एंडोस्पर्म बनाते हैं बड़ा सिंपल नारियल पानी तो सबने भी है है ना आपको पता ही है मैम का फेवरेट टॉपिक आ गया पहले तरीके से एंडोस्पर्म बनेगा जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दूसरे वाले को बोलेंगे सेल्युलर एंडोस्पर्म दिया हुआ है भैया एनसीआरटी में दिया हुआ है टेंशन एंडोस्पर्म क्या होता है फ्री नुकले? फ्री नुकले? फ्री नुकले? मतलब नुकले जा करी जा रहा है सेल तो डिवाइड वॉल बन ही नहीं रही है यानी कि हमारी शुरुआत हुई पैक से ये मेरा पैक है पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इसके अंदर क्या था पेन था फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई एक न्यूक्लियस से कितने बने दो फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई दो से कितने बने चार फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन गई ठीक है मल्टाटेड कंडीशन बन गई और फिर लास्ट में जाकर क्या हुई साइटोकाइनेसिस हुई फिर सेल वॉल बनी साइटोकाइनेसिस हुई एंड अल्टीमेटली आपके पास ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा दिस इज द मोस्ट कॉमन वन ये मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म है ऐसे ही बनता है पहले सारी आप न्यूक्लियर डिविजन कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं सेल सेल लास्ट में बनाते हैं, ठीक है दूसरे टाइप के एंडोस्पर्म क्या है सेल्युलर सेल्युलर आपका बेसिक कहता है कि भाई मैं पहले एक सेल हुआ करता था ये देखिए ये पैक एंड ये पेन ये देखिए ठीक है एक से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने फिर साइटोकाइनेसिस कर ली अपने ने, फिर दो से चार बनेंगे ये देखो फिर अपने क्या कर लेंगे साइटोकाइनेसिस कर लेंगे तो ऐसे चलते जाएंगे ठीक है जी ऐसे चलते जाएंगे इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये कम होता है बट होता है इमीडिएटली आफ्टर इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस ठीक है क्या हो गया एग्जाम्पल नॉट वेरी कॉमन है एग्जाम्पल बेटा फैमिली में मिलता है पेट्यूनिया में एंड जो एग्जाम्पल आपके एनसीआरटी देती है वही बताती हूँ आपका जो नारियल पानी है क्या है नारियल पानी पानी पीते हो दैट इज फ्री न्यूक्लियर ठीक है पानी क्या है फ्री न्यूक्लियर एंड और नारियल की मलाई मलाई भी निकलती है आप पहले पानी पीते हो फिर भैया को कहते हो भैया इसमें से मलाई निकाल दो मलाई माने कर्नल ऑफ़ याद रहेगा दिया हुआ एनसीआरटी में बिल्कुल दिया हुआ है अगर आप आगे जाए बातचीत हो गई फर्टिलाइजेशन हो गई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया हाँ यहां पर देखिए नारियल पानी ये दिया हुआ पेज नंबर कौन सा है न्यू एनसीआरटी का नाइनटीन ठीक है ये देखो वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज नथिंग बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंडोस्पॉम थाउजेंड ऑफ न्यूक्लिया वाइट का अपना तैयारी हो गई अब इसके बाद क्या करेंगे एम्ब्रियो बनाएंगे अब एम्ब्रियो बनाना ना जायॉर्ड तो था मेरे पास एम्ब्रियो बनाना है तो बहुत आसान तरीके एम्ब्रियो बनाने का एम्ब्रियो बनाने के लिए हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस दैट इज भ्रूण जनन आसान है जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी अब यहाँ से वर्ड्स को एब्सोल्युटली रिलेट कर सकते हैं लैग कहाँ हो रहा है कोई लैग नहीं हो रहा बेटा आपका लैग हो रहा है देयर इज नो सच लैग हियर कोई भी लैग नहीं है बेटा यहाँ पर देर इज नो लैग ठीक है जी हां जी तो अब जब मेरे को एम्ब्रियो बनाना है मैं एग्जाम्पल लेती हूँ डायकॉट एम्ब्रियो की क्योंकि उसकी फोटो बनी अरे यार ये हमें ना आज काम नहीं करने देगा चलो पानी पियो यार पानी पियो सब बच्चे एम्ब्रियो की बात करें सबसे पहले मेरे पास एक सेल से दो सेल बनेंगे सिंगल सेल था है ना? मेरे पास जायकॉट था जो कि सिंगल सेल था इसको मुझे डिवाइड करा, करा करा के एम्ब्रियो बनाना है इस से पहले एक सेल से दो बनेंगे दो से चार बनेंगे पहले बनेगा मेरा प्रो एम्ब्रियो क्या बनेगा बेटा जी प्रो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो के बाद बेटा जी नेक्स्ट एम्ब्रियो आता है गोल सा एम्ब्रियो जिसको हम लोग बोलते हैं ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाई देती हूँ रखिए ये देखिए वन बाय वन बेटा नंबर मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए फर्स्ट वन पहले मेरे पास जाएगौट था जाएगौट से मेरे पास एक सेल से दो सेल से बने दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो के बाद अगर तुम यहाँ पर देखोगे नंबर टू पे आ जाएगा ग्लोबुलर ये गोल सा बन गया पहले बेटा है सारे बताते थे हॉस्टोरियल सेल सस्पेंसर सेल ठीक है जी रूट कैप रेडिकल टिप कैसे बनता है बट यू कैन लीव फॉर नाउ इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ वो अगर आपको करना है तो आप मेरे डिटेल लेक्चर जो है लिंक ट्री से लिंक ट्री पे ट्वेल्थ वाले पोर्शन में जाएंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे एंड वहाँ आपको मिल जाएगा वहां मैंने बताया हुआ बट वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं इसीलिए आई एम जस्ट स्किपिंग दैट ठीक है तो जायॉट है जायॉट के बाद मेरा प्रो एम्ब्रियो प्रो के बाद लाइन याद करना सही होना चाहिए प्रो एम्ब्रियो ग्लोबुलर एम्ब्रियो ग्लोबुलर के बाद ये देखो हार्ट हार्ट शेप शेप हो रहा है है दैट इज एम्ब्रियो एम्ब्रियो एंड अल्टीमेटली मेरे पास बन जाता तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे स्टेजेस इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डायकॉट कहाँ पर है ये स्टेजेस बेटा जी डायट में इमेजेस बनी हुई है ऑर्डर आपकी थ्योरी में दिया हुआ है ये ऑर्डर आप डेफिनेटली लर्न करेंगे मेरे साथ साथ बोलो प्रो एम्ब्रियो फिर ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप और फिर आपका मेच्योर ठीक है जी यस yes. लिख लेंगे हाँ जी प्रो एम्ब्रियो था फिर मेरा ग्लोबुलर था फिर मेरा हार्ट शेप था एंड फिर मेरा मैच्योर एम्ब्रियो था ठीक है जी मैच्योर एम्ब्रियो था अब मैं आपको दोनों का एम्ब्रियो दिखाती हूं डायकॉट का भी और मोनोग का भी आज बेटा मुझे चेंज करना पड़ेगा ये जो इसका ऊपर का वो है ना कवर दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम तो आईपैड के ऊपर का कवर है है ना वो सेंसिटिव हो चुका है एक्स्ट्रा बिना टच किए भी कुछ भी कुछ भी लिखता रहता है तो उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी खराब हो गई है आज मैं ना कवर इसका डेफिनेटली चेंज करा ही दूंगी करा ही दूंगी ठीक है जी अब वन बाय वन दोनों एम्ब्रियोस के बारे में बात करते हैं कौन सा एम्ब्रियो मोनोकॉट एंड डायकॉट का मोनोकॉट बहुत अच्छे से बना भी हुआ है हाँ जी एम्ब्रियो बेटा जी दोनों में होगा मोनोकॉट में भी डायकॉट में भी फोकस करिएगा बेटा मोनोकॉट का नाम मोनोकॉट इसीलिए है क्योंकि यहां पर जो इसका एंडोस्पर्म है वो एक कॉटिलिडन बनाकर बैठा रहता है क्या है एक कॉटिलिडन ही बनता है दैट इज मोनोकॉट हैज कॉट सिंगल कॉटिलिडन क्या है इसमें सिंगल कॉटिलिडन है इस सिंगल कॉटिलिडन को भी स्पेशल नाम दिया गया है कुछ ग्रासेस में एंड दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेलम दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेलम किसी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कुछ नहीं लिया होगा है ना क्यूटेलम होता है अदर कॉटिलिडन भी है एनसीईआरटी में फोटो बनी हुई है देयर इज वेरी रूडिमेंट्री सेकंड कॉटिलिडन आल्सो मैं भी फोटो दिखाऊंगी डोंट वरी रूडिमेंट्री एक सेकेंड कॉटिलेडन भी है एंड दैट रूडीमेंट्री सेकेंड कॉटिलेडन इज किसी ने फोकस किया है एपी ब्लास्ट कौन सा रहेगा एपी ब्लास्ट ठीक है लेट मी शो यू मोनोकॉट का एम्ब्रियो ये देखिए ये देखिए बेटा हाँ जी ये देखो ये जो इसका लेटरली साइड से निकलता हुआ आ रहा है दिख रहा है लेटरली साइड से निकलता हुआ आ रहा है ये मोनोकॉट का ये पूरा तो एम्ब्रियो है ये इसके पास एक कॉटिलेडन है इस एक कॉटिलेडन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्क्यूटेलम ठीक है जी यहाँ पर एक छोटा सा ये देखो ये छोटा सा कॉटिलेडन भी होता है बनता नहीं है मेच्योर नहीं होता है बट वो छोटा सा ही रह जाता है हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म वी डोंट काउंट इट हम इसको काउंट करके ऐसा नहीं करते डेड एम्ब्रियो है इसके पास

रूट सिस्टम किससे बनता है रेडिकल तो भाई इसके पास भी प्लीम्यूल की यहाँ पर जगह है और यहाँ रेडिकल है ठीक है ये देखो यहाँ पर रेडिकल इसने बनाया है यहाँ पर बेटा जी प्लिम्यूल होगा ठीक है डायकॉट में तो प्लिम्यूल रेडिकल ऐसे ही होते हैं बट मोनोकॉट में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लिम्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलियोटाइल रेडिकल और उसके बाद रूट कैप के ऊपर प्रोटेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं दो। पर क्या होगा में? के ऊपर ऊपर भी एक छत बनी हुई है, लगी हुई है, And उसके जो protective layer है। लगी उसके जो प्रोटेक्टिव दैट इज कॉल्ड लैसियोटाइल एंड मेरा जो रेडिकल है इसके ऊपर भी कवरिंग है एंड इसको हम लोग बोलते हैं कॉलियोराइजा कैसे याद करें मैम इतने सारे नाम है याद ही नहीं हो रहे हैं प्लिम्यूल में पी आता है, है। रेडिकल में आ रहा है कॉलियोराइजर में भी ऐसे याद करोगे ठीक है जी कोलियोपटाइल प्लिम्यूल र रेडिकल ठीक है जी तो ये मेरी बात हो गई खास बात हो गई मोनोकॉट के एम्ब्रियो मोनोकॉट के एम्ब्रियो के यहाँ पर यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे ये जो मोनोकॉट कौर्ट का है पतला सा होता है मोटा नहीं है मोटा क्यों नहीं है <coughs> क्योंकि का सारा seed, पहले ही रखा नहीं जाता। अभी हम का एम्ब्रियो बनाएंगे मोटा ताजा बनाएंगे क्योंकि एंडोस्पॉम इज रिटेन्ड ओवर देयर तभी सीड हमारा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, है ना सीड में हम क्लासिफिकेशन करते हैं भूलना नहीं है वहां पर मैं इस चीज को यूज करूंगी तो डायकॉट में मेरे पास टू कोटिलेडन है सिंपल सी बात है ठीक है जी वहां पर मेरे पास कोई कवरिंग नहीं है दिस इज ऑल एब्सेंट एबसेंट अब अगर मैं डायकॉट के एम्बरियो को बनाना चाहूँ रुकीट के बनाए तो भाई इसके पास क्या क्या है इसके पास क्या है एक सेंट्रल में ठीक है दो कॉटिलेडन है पॉइंट मोटे फ्लैशी हैं मोटे-मोटे मोटे क्यों हुए इन्होंने एंडोस्पर्म का मटेरियल रिटेन करके रखा हुआ है यूज नहीं किया सारा इट इज रिटेन्ड ये मोटे-मोटे फ्लैशी फ्लैशी क्या हैं दीज आर कॉल्ड एज़ कॉटिलेडन कॉटिलेडन ठीक है कौतिलेडन. कौतिलेडन. जी यस अब ध्यान देना ये मेरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस ठीक

क्या बोलोगे बेटा जी इसको एपी कोटाइल ठीक है अब पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल लेवल ऑफ ये तो ऑफ दिडन था नीचे बेटा यहाँ पे टच कर रहे हैं तो इसके बिलो वाला कौन सा हो गया ये दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज हाइपो क्या बोलोगे बेटा जी इसको हाइपोकोटाइल अब एपिकोटाइल की जो टिप है ये दिस टिप इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल प्लिम्यूल से बेटा जी फ्यूचर में शूट सिस्टम बनेगा ठीक है जी इट विल टर्मिनेट एपिकोटाइल कोटाइल टर्मिनेट सेंटू प्लिब्यूल एंड हाइपोकोटाइल टर्मिनेट सेंटू रेडिकल रेडिकल से अल्टीमेटली रूट सिस्टम बनेगा ठीक है जी याद हो जाएगा इतना कोई बड़ी बात नहीं है दो कॉटिलिडन बनाने हैं सेंटर में एम्ब्रियोनल एक्सिस है ऐसा पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कॉटिलिडन के ऊपर एपिकोटाइल कॉटिलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल उसकी एंडिंग प्लिब्यूल में इसकी एंडिंग रेडिकल में तो फटाफट से हम यहाँ पर इसकी फोटो देख लेते हैं ये देखिए दिख रहा है डाइकॉट के एम्ब्रियो हां जी ये मेरे दो कॉटिलिडन है ये एपिकोटाइल का अपर पार्ट प्लिम्यूल ये बेटा जी आपका रेडिकल यानी कि हाइपोकोटाइल का नीचे वाला पार्ट और उसके बाहर रूट कैप दिस इज हाइपोकोटाइल एंड दिस इज द रूट कैप और भी बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पर फोटो बनी हुई है एक मिनट रुकी दिखाती हूँ मैं ऊपर से एम्ब्रियो नहीं सीड्स है सीड्स मैं दिखाऊंगी आपको एम्ब्रियो हमारी बात हो गई है एम्ब्रियो के बारे में बात हो गई यहाँ पर कोई कॉलोराइजा कॉलेप्टाइल नहीं है चलिए आखिरी पोर्शन पे आ जाते हैं आखिरी पोर्शन बेटा हमारे पास क्या है सीड आर यू रेडी टू स्टडी द सीड बेटा अभी सीड में आएगा ना बेटा टेस्टा टेगमा सीड में आएगा रुक जाइए सीड में आएगा अभी सीड कहाँ आया सीड आएगा तो टेस्टा टेगमा आएगा अभी तो एम्ब्रियो है दैट वाज नॉट सीड दैट वाज एम्ब्रियो पानी पियो सेशन तो फटाफट से कर दिया जाइए कोई बात नहीं बेटा इंटेंसिटी से आई इनको लगा यहीं से नीट क्रैक करेंगे यहीं से करेंगे पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन खूब इन्होंने समझा अब नया साल आ गया नए साल में कुछ नया खोजेंगे कोई नई जगह कोर्स शुरू हो रहा है वो देखेंगे है ना और वहां पर जुटेंगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा मैं भी आपको क्या लगता है मैम पर खाली क्लास तो तो खत्म हो रही है तो बेटा मैं भी यहाँ पर मुफ्त में कैमरे को नहीं पढ़ाऊंगी आई विल ऑल्सो देन फोकस ऑन माई प्लस क्रैश कोर्स जो कि आने वाला है उस पर मेरा सारा फोकस हो जाएगा और उसकी प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स आने वाला आपका प्लस के प्लेटफॉर्म पे क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ सीरियसनेस तो है नहीं सीरियसनेस नहीं है तो आई हैव टू हैव टू मूव टू दैट बीज के बारे में बात करेंगे अब आ जाओ यस <coughs> yes, बीज क्या है बीज एक फर्टिलाइज किया हुआ है। It is fertilized ovule. अरे फर्टिलाइज ओव्यूल ठीक है एक बीज के पास एक सीड के पास क्या क्या होगा एम्ब्रियो तो होगा ही होगा सीधी सी बात है वन दिस सीड इज गोइंग टू हैव एम्ब्रियो एम्ब्रियो को खाना देने के लिए कॉटिलेडन्स कॉटिलेडन Cotyledon मतलब एंडोस्पर्म इसको मैं एंडोस्पर्म लिख लेती हूँ और क्या होगा एंडोस्पर्म होगा और क्या और क्या होगा बेटा जी एक ना आम, जहां पर आपको पता है माइक्रोपाइलर एंड होता है एक ओव्यूल का ओव्यूल ही तो बीज बन रहा है डू यू रिमेम्बर ओव्यूल ही तो बीज बन रहा है ये देखिए ये मेरा ओव्यूल है

एयर वाटर विल मेक एन एंट्री इन टू सीड आपको पता है ना सीड को जब हवा पानी मिलता है तो जर्मिनेट कर लेता है अब सीड की तो रूट्स नहीं है वो पानी कहां से लेगा आप क्या करते हो जब एक कोई भी नया पौधा बनाना होता है आप बीज बोते हो बीज को पानी देते हो बीज के पास क्या रूट्स है वो पानी अंदर कैसे जाएगा इसी हाइलम इसी माइक्रोपाइलर के वो छोटे से यू नो एक रेमिनेंट से वहां से पानी एयर अंदर जाते हैं सीड फटता है, है यानी कि उसमें से सीडलिंग निकलता है ठीक है और इसके पास क्या होगा सीड कोट सीड कोट अभी आप बच्चे बात कर रहे थे कौन सा आउटर कोट इज कॉल्ड एज एज टेस्टा टेस्टा एंड इनर वन इज कॉल्ड ठीक है है फायदा क्या सीड होने का सीड बहुत जरूरी है बेटा <coughs> क्योंकि सीड है सीड की वजह से हम प्लांट को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते अब कोई अच्छी क्वालिटी का सीड है पंजाब में मिल रहा है मैंने उसको ट्रांसपोर्ट करके नीचे एमपी में भी ले आए महाराष्ट्र में भी ले आए यानी कि सीड के पास एबिलिटी है कि वो डोरमेंट होकर रह सकता है ठीक है व्हाई हैविंग सीड इज अ यूजफुल थिंग बिकॉज़ इट शोज द प्रोसेस ऑफ डोरमेंसी ठीक है जब इसको हवा पानी यानी कि फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तभी ये सीडलिंग बनाएगा नहीं तो नहीं बनाएगा तब तक डोरमेंट रहेगा ठीक है डोरमेंट रहेगा दूसरा बेटा इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिहाइड्रेशन क्या मतलब है जब बेटा जी सीड मैच्योर होता है ना तब वो अपना पानी लूज करता है ठीक है सिर्फ उसमें दस से पंद्रह परसेंट पानी रह जाता है यानी कि ऑन मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीआरटी की ऑन मेच्योरिटी सीड डिहाइड्रेट्स तो सवाल आएगा मेच्योरिटी पे सीड का पानी लूज होता है गेन होता है लूज होता है ओनली टेन टू ट्वेल्व परसेंट पानी लेफ्ट वॉटर इज लेफ्ट ठीक है तो मैं आपको यहां से दिखाती हूँ इंपॉर्टेंट चीज है ये लाइन देखिए हाँ जी एक ये मैं ऊपर बाद में बताती हूं इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन और वो बन जाते हैं सीड कोट एनसीआर ने सीड कोट का नाम नहीं दिया मैंने आपको बता दिया टेस्टा टेकमा यस द माइक्रोपाइल इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिए द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर जिसको मैंने हाइलम बोला वहां से ऑक्सीजन और पानी अंदर जाएगा सीड के जर्मिनेशन क्योंकि सीड के पास कोई रूट्स नहीं है तो पानी कैसे लेगी इसी पाइलर पोर के, के द्वारा लेगी जब सीड माइक्रोपाइल होगा तो क्या होगा पानी बेटा रिड्यूस करेगा करेगा लूज करेंगा, और बेटा जी ड्राई हो जाएगा टेन टू फिफ्टीन परसेंट मॉइस्चर ही इसमें बच जाएगा ठीक है और और बेटा जी सीड क्या शो करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लेते हैं सीड है ना अगर पानी वगैरह नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म इसका जीरो हो जाएगा जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी यानी कि टेम्परेचर मॉइस्चर ऑक्सीजन मिलेगा तभी बेटा जी ये अपने उस डोरमेंसी से बाहर आएगा अदरवाइज ये अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डाउन करके मतलब अभी आगे एम्ब्रियो को ग्रो नहीं करा रहा वहीं डाउन करके वैसा का वैसा पड़ा रहेगा टिल द टाइम देर आर अनफेवरेबल कंडीशन ठीक है जब तक कंडीशन क्या है अनफेवरेबल है एक मिनट रुको यस yes. इधर आ जाओ वट आर द एडवांटेजेस मैंने बेटा यहाँ पर सारी एडवांटेजेस पाँच की पाँच एडवांटेजेस यहाँ पर मार्क कर दिए हैं मैं लिख भी देती हूँ एनसीआरटी में प्रॉपर एडवांटेजेस वन टू फाइव मैंने आपकी लेबल भी कर दी है ये आपको मैं पूरा शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर आज नोट्स के साथ ही एनसीआर टी भी डाल दूंगी ये वाली सो वट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सीड दो चार तो तुम खुद ही बता सकते हो पहली चीज़ डिस्पर्सल में मदद करती है Dispersal. इसी की वजह से एक पौधा एक जगह नहीं मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट हो सकता है ठीक है अब सीड के अंदर क्या है एम्ब्रियो बना किस तरीके से फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हुई थी मियोसिस हुई यानी कि वेरिएशन भी तो आया ठीक है जी यस yes. और बेटा जी इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है वाटर के ऊपर नो डिपेंडेंसी ऑन वाटर नो डिपेंडेंसी ऑन वाटर इसके अंदर बैठा है एम्ब्रियो इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो Embryo को प्रोटेक्ट करेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती और इसके अंदर क्या बैठा है अबंडेंट अबंडेंट फूड फूड रिजर्व पहली चीज बेटर अडेप्टेशन है डिस्पर्सल के लिए फैलाने के लिए मुझे सीड होना जरूरी है ठीक है टू कॉलोनाइज इन द एरिया है एंडोस्पर्म होता है जब तक वो खुद का खाना नहीं बना पाती बीज के पास बेटा जी अपना है तब तक वो सर्वाइव कर लेगा जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता हार्ड कोट है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा एंड बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जेनेटिक वेरिएशन भी लेकर आते हैं तो पांच इसके फायदे हैं ये पांचों के पांचों फायदे बेटा जी आपको लर्न करने हैं वेरिएशन डिस्पर्सल साथ ही में पानी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है प्रोटेक्शन देता है एम्ब्रियो को और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं चालू होता तब तक सर्वाइवल में मदद करता है ठीक है जी अब दो तरीके के सीड होते हैं बेटा जी डिपेंडिंग कि कि क्या क्या उनमें कितनी देर की क्षमता है कि इसको क्या अभी बोना पड़ेगा या फिर मैं इसको महीने बाद भी बीज बोऊंगी तो भी चल जाएगा तीन साल बाद भी करूंगी तीन सेंचुरीज बाद भी करूंगी तब भी चल जाएगा वायबिलिटी यानी कि जब तक उस बीज के पास जर्मिनेशन पावर है जैसे पोलन वायबिलिटी किया था ना हमने वैसे बेटा यहाँ पर क्या है सीड वायबिलिटी यानी कि पीरियड फॉवेज रिटेनिटी टू जर्मिनेट यहां पर दो क्लासिक एग्जाम्पल्स दी हुई है दो तो, क्लासिक एग्जाम्पल्स बेटा जी आपकी दी हुई है ठीक है कौन से एग्जाम्पल है एक है ल्युपाइनस ल्युपाइनस ये कहते हैं लुपाइनस का बीज मिला कहां से आर्कटिक टंड्रा से बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और कार्बन डेटिंग से पता चला कि इस बीज की उम्र कितनी है दस हजार साल और आज भी वो वायबल है दस हजार साल ठीक है जी दूसरा एग्जांपल यहां पर आता है डेट पाम दैट इज फीनिक्स प्लांट ये कहां से मिला डेड सी में से लेकर आई इसके बीज को एंड इसकी कार्बन डेटिंग करी तो पता चला इसकी उम्र कितनी है दो हजार साल टू थाउजेंड है मतलब दो हजार साल बाद भी जब इसका बीज बोया गया प्लांट निकल अभी तो हमने दो हजार साल बाद बोया हो सकता तीन हजार साल बाद बोते तो भी चल जाता तो आंसर या तीन हजार हो जाता हमने दो हजार बाद ही बो दिया ठीक है जी यानी कि ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा है जैसे अब इसकी ऑन uh, कॉन्ट्ररी देखेंगे जैसे ऑक्जालिस प्लांट है इसकी वाइबिलिटी तो बस फ्यू मंथ्स है ओनली फ्यू मंथ्स अगर तुमने कुछ महीनों में बीज को नहीं बोया बीज खत्म ठीक है बीज खत्म ठीक ये बात कहाँ दी हुई है बिल्कुल दी हुई है इस वाले पैराग्राफ में वाइबिलिटी का पैराग्राफ है यस यहाँ पर ध्यान दीजिए सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल इयर्स हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं लुपाइन दैट इज लुपाइनस आर्कटिकस जहां से कहां से मिला आर्कटिक टंड्रा से हमने देखा कि उसके बीच की वायबिलिटी कितनी थी दस हजार साल तक भी वो एक्टिव था ठीक है जी डॉमेंसी में बैठा था बट जैसे ही उसको कंडीशंस दी फेवरेबल कंडीशंस दी वो ग्रो कर पाया रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ टू थाउजेंड ईबल सी दैट इज डेट प्लांट्स फीनिक्स प्लांटाइलीफेरा डिस्कवर ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकीवेशन इन किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी ये याद रखना जगह का नाम किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी डेड सी के नजदीक बेटा जी हमें पाम का बीज मिला और उसकी कार्बन डेटिंग करके पता तो निकला? निकला, निकला? निकला। ट्राइगा की ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ ये कुछ क्वेश्चन पूछे हुए घबराना नहीं है ये सारे सवाल भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अब कह रहे हैं जितने एक प्लांट में सीड होते हैं क्या उसके बराबर ही ओव्यूल होता है उससे कम होता है या ज्यादा होता है ठीक है मैं बोल रही हूं कि भाई नंबर ऑफ सीट नंबर ऑफ सीट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ ओव्यूल ऐसा क्यों मैंने लिखा मैम आप तो बोल रहे थे सारे ओव्यूल सीड बनते हैं इट इज नॉट नेसेसरी कि बेटा सारे के सारे ओव्यूल फर्टिलाइज हो ये जरूरी नहीं है एक ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल बैठे हों, उतने ही उतने फर्टिलाइज हो जाए वो तो उससे कम भी हो सकते हैं तो नंबर ऑफ सीड्स हमेशा या तो बराबर होंगे या फिर लेस देन होंगे टू तो द नंबर ऑफ ओव्यूल जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए ऑर्किड्स में ऑर्किड्स में देखोगे काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ ओव्यूल होते हैं थाउजेंड्स ऑफ ओव ओव्यूल होते हैं ठीक है और किसकी एग्जांपल दी हुई है ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा ये क्या है पैरासिटिक प्लांट है पैरासाइटिक प्लांट्स ठीक है और इनके पास बहुत सारे टाइनी सीड्स होते हैं बहुत सारे क्या होते है? होते हैं हैं टाइनी सीड्स वही बात लिखी हुई बेटा उसके अगले वाले पैराग्राफ में यही वाली बात लिखी हुई अब मैं सीड्स को क्लासिफाई करने वाली हूँ डिपेंडिंग कि उनके अंदर एंडोस्पर्म रहता है कि नहीं रहता है रहता है या फिर नहीं रहता है ये मैं फोटो से तुम्हें सिखाऊंगी ऐसे नहीं बताऊंगी ये देखो फोटो से सिखाऊंगी ये एम्ब्रियो है एम्ब्रियो के बाद ये सीड है देख रहे हैं ये सीड है जी मेरे बच्चों ध्यान दो ऊपर के सीड देखिए दो कॉटेलिडन दिखाई दे रहे हैं यानी कि डायकॉट का सीड है यहाँ पर भी दो कॉटेलिडन दिखाई दे रहे हैं यानी कि डायकॉट का सीड है इधर देखो इधर देखिए बेटा जी सिंगल कॉटेलिडन आपको दिखाई दे रहा है यानी कि ये मोनोकॉट -ca का सीड है ये मक्के का सीड बना हुआ है सिंगल कॉटिलेडन है यानी कि ये भी क्या है मोनोकॉट का सीड है अब यहाँ ध्यान देना ध्यान देना ये मैंने एम्ब्रियो बनाया था एम्ब्रियो के पास एंडोस्पर्म होता है इन केस ऑफ मोनोकोट ये मोनोकोट का एम्ब्रियो था यहां पर तुम्हें एंडोस्पर्म कितना पतला सा दिख रहा है पतला सा दिखने का क्या मतलब है मतलब यहां पर जो सीड है उसका एंडोस्पर्म थोड़ा-थोड़ा बचा है थोड़ा-थोड़ा बचा है है ना इट इज नॉट फुल्ली कंज्यूमड पूरा-पूरा नहीं खाया है थोड़ा बहुत क्या है बचा है राइट right?

बाई एम्ब्रियो एम्ब्रियो ने पूरा नहीं खाया है ठीक है जी अभी बचा है एग्जाम्पल इज मोनोकॉट हाँ जी नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एक्स एल्ब्यूमिनस 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 यहां पर एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी डाइकॉट्स अगेन कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन इज ऑर्किड ऑर्किड एक मोनोकॉट है बट वो नॉन इंडोस्पर्मिक कैटेगरी में आता है हेयर ऑर्किड। ऑर्किड बेटा जी मोनोकॉट होते हुए भी नॉन इंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में आता है नॉन इंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में आता है ठीक है याद रहेगा चलिए तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही यहां पर दिया हुआ है. इधर देखिए

जिसमें एल्ब्यूमिन बच गया है खाना बच गया है यानी कि इज़ नॉट लो बीसी कर लो एमसी डब्ल्यू बी कर लो कैसे भी याद कर लो बट एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीट बेज मार्ले कैस्टर ठीक है जी चलिए ये तो बेटा मैंने आपके सामने बना दिया याद करने के लिए फेवरेट कार कौन सी है बताओ वन ऑफ द फेवरेट कार बच्चों की सबकी है ना कौन सी कार माने कैस्टर बी एमडब्ल्यू कौन सी गाड़ी पसंद है बताओ मेरे बच्चों बी एमडब्ल्यू प्लीज यहाँ पर ये मत बोलना मैं मुझे तो मर्क पसंद है मुझे तो जीप पसंद है मुझे तो थार पसंद है अभी बी एमडब्ल्यू पसंद कर लो ठीक है अभी के लिए क्या पसंद कर लो बी एमडब्ल्यू पसंद कर लो यही तुम्हारी फेवरेट गाड़ी है ठीक है जी कार में तुम्हारी फेवरेट कौन सी है बीएमडब्ल्यू बार्ले वीट मेज ठीक है यस बीएमडब्ल्यू गाड़ी पसंद है सब बच्चे याद कर लो कैस्टर माने गाड़ी कार बारले बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू फेवरेट कार ओके okay जी तो वो हो जाएगा मेरा नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड है ना अब कुछ सीड ऐसे होते हैं कुछ सीड ऐसे होते हैं बेटा जहां पर जहां पर न्यूसेलस भी हिस्सा लेता है बीज को बनाने में अदरवाइज तो बेटा न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मम्मी सेल होता है फिर वो मम्मी सेल आगे गेमिटोजेनेसिस करता है मियोसिस करता है मेगास्पोर बनाता है बाकी के सेल तो नहीं होते लेकिन अगर न्यूसेलस का बचा कुचा हिस्सा भी बीज बनाने लग जाए है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड यानी कि दिस इज द सीड विच हैज रिमेनिंग न्यूसेलस रिमेनिंग न्यूसेलस बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाई क्यू में आ चुका है रिमेनिंग न्यूसेलस को क्या बोलते हैं पेरिस्पर्म बोलते हैं उस बीज को जिसमें का भी हिस्सा आ चुका है उसको हम लोग बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी बीट ठीक है एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी बीट एंड काली मिर्च पाइपर पाइपर नाइग्रम ठीक है ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर

ठीक है जी उसके रायते में काली मिर्च डलती है चलो आगे पहले फ्रूट कर लेते हैं फ्रूट का इसमें सेक्शन नहीं दिया कोई बात नहीं मैं यहाँ सेक्शन बना देती हूँ चलिए फ्रूट क्या होगा फ्रूट इज गोइंग टू बी द फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट इज गोइंग टू बी द फर्टिलाइज्ड ओवरी देखिए जो लास्ट का पार्ट है ना एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रोनी

ठीक है जी सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम सी पाहजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे ढाई लाख से ऊपर बच्चे हैं आप टेलीग्राम पे डालो सी सीजा बायोलॉजी ऑफिशियल या टी डॉट मी ये मंडालिये बस नाम डाल दीजिए सी सीपा बायोलॉजी ऑफिशियल ढाई लाख से ऊपर जो बच्चे होंगे उसी वाले को ज्वाइन करिए वहां पर क्लास के तुरंत बाद नोट्स मिल जाएंगे लेकिन अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दो खुद भी कुछ लिख लो ऐसे बात नहीं बनेगी ठीक है जी तो फ्रूट की बॉल को क्या बोलते हैं पेरी कार बेटा आज अगर कॉमेंट्स में मेरे को कमी दिखी ना तो परसों इसका सेशन सेल साइकिल का सेशन नहीं होगा ये मैं आपको बता रही हूँ ये देखो बहुत अर्जेंटली मुझे चेंज करना पड़ेगा हाँ जी टाइप्स ऑफ फ्रूट देख रहे हो मैं लिख क्या रही हूँ लाइनें मार जा रहा है अपने आप ओके टाइप्स ऑफ फ्रूट्स ओके सो आई हैव मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एक तो मेरा बेसिक फ्रूट है सुन लो यार एक मेरा बेसिक फ्रूट होता है जिसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ ओवरी यूज होती है मोस्टली मेरे फ्रूट्स ऐसे ही होते हैं ऐसा फ्रूट जिस जो सिर्फ ओवरी से बनता है उस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट क्या बोलते हैं उसको ट्रू फ्रूट मोस्टली जो मेरे फ्रूट है ना वो ट्रू है ट्रू फॉल्स एंड पार्थीनो कार्पिक ठीक है कार्पा वर्ड मतलब फ्रूट की बात हो रही है ट्रू फ्रूट यानी कि इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ है ओनली ओवरी इज इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट क्या है ओवरी तो है ही है ओवरी तो इन्वॉल्व है ही प्लस अदर फ्लोरल प्लॉट प्लस अदर फ्लोरल पार्ट भी मौजूद हैं जैसे कि थैलमस ने भी इसमें हिस्सा लिया तो कौन कौन से ऐसे फ्रूट हैं जिसमें थैलमस हिस्सा लेता है थैलेमस बेटा जी हिस्सा ले लेता है कभी कभी फ्रूट बनाने में एग्जाम्पल एप्पल एप्पल हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया ये दिए हुए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कैश्यूज हो गए ठीक है कैश्यू हो गए पियर हो गया पियर बेटा इस वाले चैप्टर में नहीं है मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है तो बेसिकली एप्पल स्ट्रॉबेरी कैश्यू पियर ये जो चार एग्जाम्पल्स हैं इसका फ्रूट बनाने में सिर्फ और सिर्फ ओवरी नहीं है इसमें थैलेमस भी हिस्सा लेता है और इसकी फोटो भी बनी हुई है

कैश्यूज मैंने आपको अनदर एग्जाम्पल दिया और पियर पियर वहां दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ बट करना है करना है तो फिर एक जगह याद रखो ठीक है तीसरी कैटेगरी आती है ऐसा फ्रूट जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं ओवरी को ग्रोथ मीडियम दिया न्यूट्रिशन दिया हार्मोन वॉर्मोन दिए फ्रूट बना दिया ठीक है जी फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन अब अगर मैंने फर्टिलाइजेशन ही नहीं कराई तो क्या उसे बीज का वाटरमेलन बना रहे हैं बिना बीज का आसानी के लिए अदरवाइज तो उसमें कितने ज्यादा बीज होते हैं टमाटर में भी वाटरमेलन में भी तो वाटरमेलन को थोड़ा अच्छा बनाया गया है बायो पार्थिनो कार्पी भाई तुम ग्रोथ मीडियम दे दो और फ्रूट को बना लो बिना फर्टिलाइजेशन के दैट टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज क्या बोलोगे इस फ्रूट को बेटा जी हम लोग बोलेंगे पार्थिनो कार्पिक फ्रूट ठीक है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट हाँ जी अब मैं तीन वर्ड्स लिखने वाली हूँ तीन वर्ड्स लिखने वाली हूँ जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है ये समझ आ गया तो इससे अगला पोर्शन आ जाएगा पहला पार्थीनो कार्पी ध्यान देना पार्थिनो कार्पी दूसरा पार्थिनोजेनेसिस बताओ किस किस को कन्फ्यूजन है इसमें पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस करने वाले अगला टॉपिक हमारा एपोमिक्सिस है एपोमिक्सिस एपो हां जी आज के बाद कन्फ्यूजन होगी नहीं आ जाओ पार्थिनो कार्पी कार्पा वर्ड आ गया फ्रूट के लिए यहाँ की यहाँ पर हम फ्रूट बना रहे विदाउट फर्टिलाइजेशन समझ लो बेटा फ्रूट बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे पता चला फ्रूट बना रहे हैं कार्पा वर्ड आ गया कार्पा पेरिकार्प फ्रूट से रिलेटेड है ठीक है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोजेनेसिस यहां पर हम लोग एम्ब्रियो बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना दिया कहाँ बनाते हो एग्जाम्पल ड्रोन्स बना देते हो ना हनी बी में हनी बी में क्या हो रही है पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली एनिमल्स में होती है

ठीक है जी ये होता है मेरा एपो मिक्स अगर मैंने बीज बना दिया बिना फर्टिलाइज करे भाई बिना फर्टिलाइज का मतलब है मैंने एक ही पेरेंट से बना दिया फीमेल वाले पार्ट से बना दिया मानते हो नहीं मानते हो मैंने बीज बना दिया बिना फर्टिलाइजेशन करे अगर मैं बीज बना रही हूँ बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब मेल पार्ट यूज ही नहीं कर रही हूँ मेल गैमिट चाहिए ही नहीं मतलब यहाँ एक ही पेरेंट से बात हो रही है एक ही पेरेंट से मेरा फ्रूट बन सीड बन जाएगा

अगर ये प्रोसेस मोनोपेरेंटल हो गया तो ये क्या हो गया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब ये एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ये तो हम मान गए लेकिन इसमें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बीज बन रहा है बीज तो सेक्शुअल में ही बनता है यानी कि ये ऐसी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जो नकल करती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को क्या ये लाइन ठीक है ए सेक्शुअल क्यों बोला ये तो मोनोपेरेंटल हो गई

मेरे साथ इस चैप्टर का लास्ट पैरा पढ़िए ये पैरा जब हम पढ़ लेंगे फिर मैं दोबारा एपोमिक्सिस पे आऊंगी कि जरूरत क्यों पड़ी सीड बनाने की बिना फर्क देखो <coughs> वो क्या रहा था मैं समझा देती हूँ पर <coughs> हाँ हम लोग यहाँ एपोमिक्सिस कर रहे हैं वो क्या रहा था बाजार में बाजार में ना हाई हाईिंग सीड मिल रहे थे हाई हाई वैरायटी वैरायटी के के सीड सीड मिल रहे थे क्या होते हैं जिसमें ना अच्छी क्वालिटी होती है सुपीरियर सीड है फार्मर आया ठीक है फार्मर ने बाय कर लिया पैसा दिया प्रॉपर हजार दो हजार रुपये दिया सीड लेके आए ठीक है सीड को बोया हाईडिंग प्लांट बन गया ठीक है एच वाई वी वेराइटी का प्लांट बन गया पूरा प्लांट बन गया फार्मर बहुत खुश अरे वाह बढ़िया 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 बहुत बढ़िया फिर बेटा फार्मर चाहता है कि भाई इससे जो बीज निकले ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा बीज बनेंगे वो बीज भी वो बीज भी हाई हाईिंग होने चाहिए इसके बच्चे भी हाई हाईिंग करो लेकिन ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा होता नहीं है होता क्या है कि एक बार आप हाई वैरायटी के बीज खरीद के लाते हो उगाते हो उसके जो सीड्स हैं जो फ्यूचर मतलब इसके प्रोजनिंग है वो हाई हाईडिंग नहीं होती मतलब अब फार्मर को फिर से पैसा देना पड़ा फार्मर अगेन गोस अगेन बायस फिर से पैसा लग रहा है बाय करेगा फिर से हाइब्रिड प्लांट बनाएगा तो भाई ये तो महंगा पड़ गया ना ये तो महंगा पड़ गया ये मामला नहीं चल पाएगा अपने को एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें हाइब्रिड के कैरेक्टर रहे बिना खरीदे कि नया प्लांट जब बने वो भी बढ़िया क्वालिटी का ही बने हाइब्रिड वाला ही बने वो जरूरत है मेरे को एपोमिक्स वो सोल्यूशन है उसका एपोमिक्स तो ध्यान दो ध्यान देना बेटा लास्ट सुन लो हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फ्रूटिटेबल्स एंड इसको डिलीट करती हूँ रुको मैं क्लीन मिलेगा यस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैड ट्रेमेंडसली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ये हमें पता है हाई वैरायटी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट ये जो हाइब्रिड सीड है ना वो हर साल अपने को चाहिए लेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन अगर मैं हाइब्रिड प्लांट बना लेती हूँ बीज, बीज फिर से बोए जाए वो तो हाईब्रिड कैरेक्टर को नहीं करते। कि हर बार फार्मर को दिक्कत क्या आई उसको नए बीज खरीदने जाना पड़ा हाईब्रिड वी के बीच खरीदने जाना पड़ा प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली अब बारी, बारी बारी फार्मर खरीदने जाएगा तो पैसा लगेगा एनहेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स ये थी मेरी प्रॉब्लम ये मेरा प्रॉब्लम था कि भाई पैसा बहुत लग रहा था बारी बारी खरीदारी करने में सोल्यूशन निकालो क्या है ये दीज हाइब्रिड सीड्स इफ दीज हाइब्रिड सीड्स आर मेड इन टू एपोमिक्स आप ऐसे बीज बनाओ जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं चाहिए एपोमिक्सिस तो वही होती है देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोजेनी देन द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड टू मेंटेन द न्यू क्रॉप बड़ी आसानी से बात हो गई इसका सोल्यूशन निकाल दिया सोल्यूशन में कह रहे हैं भाई तुम क्या कर लो एपोमिक्सिस कर लो क्योंकि एपोमिक्सिस में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है मेल पार्ट यूज ही नहीं कर रहे यानी कि कोई मियोसिस भी नहीं हो रही है अगर कोई मियोसिस नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी जो क्वालिटी उसमें है वैसी की वैसी क्वालिटी उसके अंदर रहेगी मियोसिस ही क्रॉसिंग ओवर करके गड़बड़ करती है एपोमिक्सिस नहीं कर सकती ठीक है जी फिर क्या कह रहे हैं

मैं एपोमिक्सिस करूं कैसे फार्मर को चाहिए हाइब्रिड वैरायटी के सीड लाने हैं हाउ टू डू दस एक मिनट रुको इसको बड़ा करने दो। ये मैंने आपको लाइन पढ़ा दी देयर आर एपोमिक्टिक सीड कैसे बनाओगे तुम अब ये बिना फर्टिलाइजेशन के बीज इन थम स्पीशी द डिप्लॉड एक्सलिवन विदाउटनल डिविजन डिवीजन मियोसिस हुई नहीं ठीक है

एपो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करनी है एपोमिक्सिस होती किस में है एस्टरेशिए में यस प्लीज रिमेंबर एस्टरेशिया एंड ग्रासेस सब बच्चे याद रखें मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर एपो मिक्सिस की अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो तुम बोलोगे एस्टरेशिए एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ ग्रासेस अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पोलियम ब्रियोनी पहले याद रखो पोलियम ब्रियोनी किस होती है मैंगो में एंड सिट्रस फ्रूट्स में

अब मेरे पास जो बीज है इस बीज के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो तुम एक बीज बो के आए उस एक बीज से मल्टीपल प्लांट्स निकले This is called as Clear, मेरे बच्चों? एक बीज से जब मल्टीपल प्लांट क्योंकि एक बीज के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो जनरली एक के पास एक ही होता है एम्ब्रियो लेकिन अब मल्टीपल है क्योंकि अंदर घुसे एग्जाम्पल हेयर इज गोइंग टू बी

आई होप एम्ब्रियोनी क्लियर है एंड क्लियर है एपोमिक्स एंड पार्थिनो कार्पी भी क्लियर है पार्थिनो कार्पी कार्पा फ्रूट बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन जेनेसिस एम्ब्रियो बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस बीज बनाना है बिना फर्टिलाइजेशन क्यों बनाना है बिना फर्टिलाइजेशन के क्योंकि फार्मर को महंगा पड़ रहा था हाइब्रिड बीज हाइब्रिड बीज में जब भी हम हाइब्रिड प्लांट उगाते थे तो नया बीज जो बनता था वो हाइब्रिड नहीं रहता था तो उसको हर बार हाइब्रिड बीज खरीदने जाना पड़ता था उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए एक्सपेंसिव चीज को कम करने के लिए हमने क्या किया हाइब्रिड बीज बनाया एपोमिक्सिस के द्वारा कैसे बनाया है हाइब्रिड बीज हमने हमने बेटा जी डिप्लॉइड एग को डिप्लॉइड एग बनाया बिना मियोसिस के मियोसिस नहीं हुई तो सेग्रीगेशन नहीं हुई उसमें वो कैरेक्टर हमेशा रिटेन रहेंगे एग्जाम्पल एपोमिक्सिस की एंड ग्रासेस ठीक है जी फिर पॉली एम्ब्रियोनिक है जो सेलर के सेल्स सीड में अंदर घुसाए तो मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए एक सीड के पास जब मल्टीपल एम्ब्रियोज हो मैंगो एंड सिट्रस दैट इज गोइंग टू बी पॉली एम्ब्रियोनिक तो होगा क्या एक बीच बोगे मल्टीपल प्लांट निकलेंगे ठीक है जी विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर आई होप एक एक चीज आपको समझ आई होगी जनरली बच्चे लास्ट का पैरा छोड़ के जाते हैं रट्टे मारते हुए दिखाई देते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी उनके लिस्ट में ही नहीं है लिस्ट में नहीं है बट यू नेवर नो बेटा किस दिन कहाँ से पेपर आ जाए कब एग्जाम्पल्स में से पेपर आ जाए कहां से पेपर आ जाए हमें नहीं पता है। तो आपको एक एक लाइन को समझ के आगे बढ़ना है मैंने कोशिश की है कि एनसीआरटी की एक लाइन आप जब पढ़ें घर जाकर तो आपको हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी हो अब इसी चैप्टर का टेस्ट जो है वो कल शाम को छह बजे होने वाला है क्लास का लिंक पिन कर दिया है

ठीक है साथ में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी आपको देना था कि न्यू ईयर के उपलक्ष्य पे यस प्राइसेस बेटा जी काफी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं अप टू फोर्टी फाइव यू कैन से अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ नीट यूजी सब्सक्रिप्शन ठीक है चाहे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए लीजिए ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए लीजिए ठीक है न्यू ईयर के उपलक्ष्य में बेटा जी काफ़ी हैवी ऑफर चल रहा है अगर आप लॉन्ग ईयर या फिर इस साल की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ठीक है तो बेस्ट आपके लिए यही समय है कोड लगाना है सीप लाइफ एंड बेटा जी आपको पहुंच जाना है सब्सक्रिप्शन में। वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं मेरा भी कोर्स आने वाला है तो आज अगर आप आज सब्सक्रिप्शन तो आए ना ऑलरेडी गोइंग टू कम्प्लीट अग्नि बैच कम्प्लीट ठीक है जी तो बहुत सारे बैचेस वहां चल रहे हैं सारे बैचेस पुराने नए आप देख पाएंगे जब आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इट इज नॉट अ बैच सब्सक्रिप्शन इट इज एक्चुअली सब्सक्रिप्शन ऑफ अ होल होल आप हर क्लास देख पाएंगे उसके बाद यही इसकी खासियत है इट्स लाइक नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स में क्या होता है कोई भी मूवी देख लू पुरानी देखू दो हजार तेईस की दो हजार अठारह की देखू आप कोई भी मूवी देख सकते हैं आपको जो पसंद आए आप उस मूवी से देखना चालू यानी कि वहां से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं सो विद विद दिस वी आर डन चैप्टर जिस जिसको समझ आया सब बच्चे कॉमेंट करेंगे एंड मैंने जैसा बताया नंबर ऑफ कॉमेंट्स विल टेल मी कि हमें अगला चैप्टर यहाँ करना है या कहाँ करना है ठीक है जी और प्लीज जाकर इसको रीड करना एनसीईआरटी को प्लीज पढ़ना एग्जाम्पल सारी याद करना तीन से चार क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं आसान भी है समझ भी आता है एंड मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की बाकी बेटा मिलते हैं कल की क्लास में कल यूट्यूब क्लास नहीं होगी कल बेटा जी प्रैक्टिस सेशन है लिंक पेंड है सब बच्चे एनरोल कर लेना ठीक है जी शाम को छः बजे थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर Thank <laughs> you.